माफ कीजिए, ये टैक्सी मैंने बुलाई। मेहरबानी करके आप दूसरी टैक्सी ले लीजिए। माफ कीजिए, मैं यहाँ 15 मिनट से खड़ी हूँ। आवाज भी पहले मैंने ही दी थी। जी नहीं, आप गलत कह रही हैं। जी नहीं, आप गलत कह रहे हैं। ड्राइवर, जो सच बात है वो तुम बोलो। साहब, आवाज पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने तो आप दोनों को एक ही समझा था। बाबू साहब, आप ही दूसरी टैक्सी कर लीजिएगा। मैं दूसरी टैक्सी क्यों लूं? इन्हें दूसरी टैक्सी लेने में क्या इतराज है? तो फिर आप आपस में ही फैसला कर लीजिएगा। ड्राइवर, पुलिस स्टेशन चलो, फैसला वहीं हो जाएगा। फिर करो, मैं ही उतर जाता हूँ। पहले बदतमीजी करती है और बाद में पुलिस की धमकी देती है। शट अप, यू शट अप। चलो चलो। अबे रोटी नहीं खा पाए, जरा जोर लगा के मालिश करो। ये आप क्या कहते हो जी, मेरी मालिश से तो मिलिट्री के खच्चर घबराते थे। जोर से लीजिए। गधा कहीं का, जमीन को तबाही नुकसान करता है। इससे मेरी क्या कसूर है जी, आप जमीन पे क्यों नहीं मालिश करवाते? नमस्ते भैया जी। नमस्ते। आपकी सराय में कमरा मिल जाएगा? कहां से आओ बाबू? जालंधर से। अच्छा, पंजाबी हो? लेकिन मैं ठहरने का किराया दे दूंगा। सो तो देने पड़ी, पर 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकत हो। मुझे तो सिर्फ 1-2 दिन ही ठहरना है, कमरा मिलते ही चला जाऊंगा। वो कुमारा स्वामी, बाबू को ऊपर कोने वाला कमरवा जाए खोल दियो। चलिए बाबू जी, चलो। नमस्ते। नमस्ते। आपके यहाँ किराए के लिए कोई कमरा खाली है? जी हाँ है, तो आइए अंदर आइए।
आप तशरीफ रखिए, पिताजी अभी आते ही होंगे। शुक्रिया, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ, जरा एक नजर। शौक से शौक से। अच्छा, तो आप चित्रकार हैं? अरे चित्रकार क्या, यूं ही लकीरें खींच लेता हूँ। वाह साहब, जवाब नहीं आपकी कसर नफसी का। अगर ये लकीरें हैं तो तस्वीरें क्या होंगी मिस्टर बैनर्जी? अशोक बैनर्जी, और मुझे आनंद कहते हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं यह रेडियो इंजीनियरिंग सीखने आया हूँ। ये तो और भी अच्छा हुआ, हमारा रेडियो हमेशा खराब रहता है, आप इसे तो ठीक कर ही दिया करेंगे। जी अगर ठीक नहीं करूंगा तो कम से कम ठीक करना तो सीख ही जाऊंगा। पिताजी आ रहे। अशोक, अरे तुम এখানে দাঁড়িয়ে, আমি তো ভেবেছিলাম তুমি বাইরে গেছো, আর তোমার ছবি তুমি আঁকা হলো, বাহ। ইনি মিস্টার আনন্দ। পিতা নমস্তে। নমস্কার বাবা, ইনি আমাদের ঘরটা চান। জি মে কমরে কে লিয়ে হাজির হুয়া হুঁ। কিন্তু আপ বঙ্গালী হ্যায় ইয়া হিন্দুস্তানি? জি বঙ্গালী ইয়া হিন্দুস্তানি? হিন্দুস্তানি সমঝিয়ে। दरअसल कमरा हमने दूसरे को दे दिया है, मगर आज तो आपने अखबार में। कब दिया बाबा, मैं तो सुबह से यही हूँ, कोई आया तो नहीं। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे हजार बार बोली थी ये समस्त व्यापारे तुम्हें माता घामी होना, तो वो तुम्हें माता घामे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, मैं किसी और जगह तलाश कर लूंगा। नमस्कार। नमस्कार। माफ कीजिएगा मिस्टर आनंद, मुझे पता नहीं। कोई बात नहीं, इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हो गई। अच्छा नमस्ते। किसे दिया कमरा बाबा? दिया नहीं, देंगे। देंगे तो फिर आपने इसे क्यों मना कर दिया? आदमी तो अच्छा जान पड़ता था। होगा लेकिन बंगाली नहीं है। तो क्या हुआ? तुम ये समस्त कथा बोझो ना, आमी कमरा देगा तो किसी बंगाली भाई को देगा। हाँ। माफ करो भाई, मारे को तो मारवाड़ी किराएदार चाहिए, भारी जात मानो। अच्छा जी, अरे मत सोचो तो कहीं, एक दफा बोल जो दिया कि हम कमरा सिंधी भाई को दे। हाँ हाँ ते बरोबर है, पण हमारा मराठी किराएदार पाहिजे। आपके यहाँ पेइंग गेस्ट के लिए जगह है? अच्छे, पर तबे छो कौन? गुजराती छो के हिंदुस्तानी छो? गुजराती तो नहीं हूँ लेकिन हिंदुस्तानी जरूर हूँ। छापा मा वाचू नहीं, अंदर चोखू लख्यू छे के केवल गुजरातियों माते जगह छे। कमाल है। अगर शू छे? मैं पूछता हूँ, यहाँ मारवाड़ी के लिए जगह है, बंगाली के लिए जगह है, गुजराती के लिए जगह है, लेकिन हिंदुस्तानी के लिए कोई जगह नहीं। ये हिंदुस्तानी कहाँ रहे? हिंदुस्तानी हिंदुस्तान मा। आरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आरे जहाँ से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा, आरे जहाँ से अच्छा हमारा, सारे जहां से अच्छा। भैया एक बात तो बताओ। कहां बात है बाबूजी? ये हिंदुस्तान कहां है? बाबूजी को नशा सा खाए तो नहीं आए हो? ये हिंदुस्तान नहीं तो क्या विलायत है? नहीं भैया, मुझे तो यहां मद्रास, गुजरात, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र सब नजर आए, मगर हिंदुस्तान कहीं नजर नहीं आया। कहां बात करो तो बाबूजी, ये हिंदुस्तान ही तो है। ये देखो बंगाली भाई, ये गुजराती भाई, ये है मद्रासी, ये है मराठी, ये है पंजाबी, सभी तो बैठे हैं, है कि नहीं? हाँ है तो, लेकिन हिंदुस्तान है तो तुम्हारी सराय के अंदर ही है। जरा दरवाजे से बाहर निकलकर देखो। काहे कुमारा स्वामी,
बाबू की बात कुछ समझे? हाँ समझे तो। क्या समझे? कुछ नहीं जी। हे अरे भाई निकल के आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से, हे अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। केम ऊंघे छे भाई घन श्याम जी, ओ केम ऊंघे छे भाई घन श्याम जी, ओ दुनिया बदल गई प्यारे, आगे निकल गई प्यारे, अरे दुनिया बदल गई प्यारे, आगे निकल गई प्यारे, अंधे कुएं में छुपके क्यों बैठा हुआ है मन मारे, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख फिर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। तुला भीती ही कसली वाटते रे, तुला भीती ही कसली वाटते, ओ पानी को तेल को छोड़ा, बिजली की रेल को छोड़ा, अरे पानी को तेल को छोड़ा, बिजली की रेल को छोड़ा, कल चांद और तारों में पहुंचेगा एटमी घोड़ा, अरे भाई अरे भाई, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। কেন ভাবেন অকারণে বংশী বাবু রে, কেন ভাবেন অকারণে বংশী বাবু, ও কল জো থা কল রহা হোগা, আগে কি সোচ ক্যা হোগা, अरे कल जो था कल रहा होगा, आगे की सोच क्या होगा, टूटी पुरानी ढपली पे तू कल का मरसिया मत गा, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख फिर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, ये देख फिर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। स्वामी चाय, कोई कमरा मिल गया स्वामी? अरे कमरा मिले भी तो कैसे, ये एक मिस्टर अय्यर है, इन्हें भी एक मद्रासी किरायेदार चाहिए, तो आप जाके मिलिए ना। अरे पर मिलने से फायदा? नुकसान भी क्या है, कमरा नहीं देगा, घर तो वापस आने देगा। अच्छा भाई तू कहता है तो मिल लेता हूँ। हाँ। स्वामी मैं कहता हूँ ये कमरा आपको जरूर मिल जाएगा। वो कैसे? आप जी मैं 100% मद्रासी, कपड़ों से नहीं पहचाना आपने? यह तो मैं देख ही रहा ना जी, मैं आपका नाम पूछता था। आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी, वांग वांग वांग
ये देखो जी कितना अच्छा रूम है। तो ये अलग दरवाजा, एक दो तीन खिड़की है। कमरा तो काफी अच्छा है, किराया कितना होगा? तुम तो हमारे जाति भाई। अजी किराया क्या जी, महीने का 30 रुपया एडवांस देना पड़ेगा। 30 रुपया? बाहर के लोग 50-50 रुपया देता सर। तुम तो हमारे जाति भाई जी, अब मैं कम की लेता सर। अच्छा जी। तो मैं कब तक आ जाऊं? आज मेरे तरफ से दे दिया जी, तुम आप भी आओ ना जी। अच्छा। कुछ वांगो वो तेरी आल वंदिर करांगा जी। मैं नाश्ता करके आया हूँ। आज नाश्ता नहीं जी, एक बड़ा आदमी आपको बैठा तो जरा मुलाकात करो जी। वांगो 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 वांगो, ये हमारा नया किरायादार है। ये ना तेरा पा जी आनंद कुमार स्वामी। नमस्कार। नमस्कार। ये हमारा साउथ इंडिया एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मिस्टर सुब्रमण्यम। निंग वाले सारिंगो ऐसे निंग वाले सारिंगो नान कुंचो कुंचो तमिल पेस रहे। मैं तमिल जरा कम बोलता हूँ। अयो तुम कैसे मद्रासी थे? जी मैं मद्रासी तो बिल्कुल असली हूँ। बात दरअसल ये है कि मेरे पिताजी 20 साल से पंजाब में ठेकेदारी करते हैं और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई वहीं हुई है। कोई बात नहीं, आपने देश बदला है लेकिन भेष नहीं बदला। जी हाँ ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी आदमी और मौका देखकर भेष भी बदलना पड़ता है। आज जी हम भी ऑफिस में कोट पार्टनर ट्रेन को जाते हैं। अच्छा मिस्टर अय्यर, इन्हें भी उत्सव में लाने को भूलना नहीं। ले पाऊंगा क्योंकि अपनी संस्कृति और सभ्यता का बोझ इन नौजवानों को ही उठाना चाहिए। अच्छा तो मैं शाम तक आ जाता हूँ। ये आप ही कर रहे सो, खुशी से आओ ना जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मिस्टर अय्यर, वेरी गुड बॉय। अच्छा आदमी मालूम पड़ता है। आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप तो कर चुके हैं, अब मैं करती हूँ आपकी सेवा। है? ये बात है। क्यों चाचा, वनस्पति को शुद्ध कर रहे हो? तरह तरह की लेबल लगा रहे हो। बेटी आजकल तो दुनिया में लेबल ही चलते हैं, माल को कौन परखता है। ये नया बोर्ड क्या लगाया है? मुझे जिस दिन 1000 रुपए की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर पकड़ा दूंगी। इस धोखे में मत आ जाना बेटी, मेरे घी की तरह मेरा इनाम भी वनस्पति है, समझी? तेरे पिताजी कैसे हैं? अच्छे हैं, उन्होंने एक टन असली घी का मंगवाया है। असली घी? अच्छा, करता हूँ शाम तक इंतजाम। क्यों, दुकान में नहीं है? बेटी इस दुकान में तो सिर्फ भगवान की जोत में ही असली घी जलता है। भगवान माल परखता है ना, इसलिए उससे डरते हो? पगली, उससे डरता तो फिर नकली माल क्यों बेचता। अरे हाँ ले जरा ये चिट्ठी तो पढ़, शायद तेरी बुआ की है। हाँ। चाचा तुम हिंदी क्यों नहीं पढ़ लेते? अब मुझे क्या पता था स्वराज मेरी जिंदगी में ही मिल जाएगा। चलो अच्छा ही हुआ, अब पढ़ लूंगा। हाँ तू पढ़ चिट्ठी। चिरंजीव साधुराम, जुग जुग जियो,
यहाँ कुशल है, तेरी कुशलता परमात्मा। ये सब छोड़ना, मतलब की बात पर। मोहिनी के कारण रातों नींद नहीं आती, वो जूं जूं बड़ी हो रही है, मेरी घबराहट बढ़ती जा रही है। अब तक तूने कोई लड़का तलाश नहीं किया। लो सुनो, लड़के जैसे नई दिल्ली की सड़कों पे उग रहे हैं। इसलिए मैं खुद आ रही हूँ, शनिचरवार की शाम को नई दिल्ली पहुंच जाऊंगी। स्टेशन पर आ जाइयो। मोहिनी की तरफ से नमस्ते, तेरी बहन राम भजनी। चाचा, मोहिनी बहन को बुला क्यों नहीं लेते, वो भी दिल्ली देख लेगी। बेटी, मैं उसके लिए लड़के ही दिल्ली का ढूंढे लेता हूँ, फिर जिंदगी भर देखा करेगी दिल्ली। बंसी, ये तू क्या करने आया? ग्राहक को घी का नमूना दिखाना है। घी का नमूना दिखाना है या मेरा नमूना दिखाना है? तू जा बाहर, मैं खुद दिखा लूंगा नमूना, पागल। लीजिए, देखिए नमूना। वाह वाह, घी तो बहुत अच्छा है, ये कहाँ कहाँ है साहब? सभी जगह का है साहब, खुर्चिए का, अमृतसर का, कोयम्बेटूर का, पोरबंदर का। बेटी, तू यहाँ क्यों खड़ी है? भिजवा दूंगा घी, घी भिजवा दूंगा, कह दीजिए पिताजी को। क्या भिजवा दूंगा? हेलो अशोक। ओ हेलो आनंद, कैसे हो भाई? अच्छा भाई, वो पिताजी कलकत्ते चले गए हैं, अगर तुम्हें कोई मकान नहीं मिला हो तो हमारे यहाँ चले। यार मकान तो मिल गया है और तुम्हारे घर के करीब ही मिला है। अच्छा हाँ। और सुनाओ, दिल्ली शहर कैसा लगा? शहर तो अच्छा है, लेकिन लोग कुछ अजीब हैं। क्यों? एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं। अच्छा हाँ? भाई लोग तो अच्छे हैं, तुम्हारा किसी खास ही सरफिरे से पाला पड़ गया। बिल्कुल। लो लो, इसी बात पर चने खाओ। ओ आई एम सॉरी। अगर आपको बात करना है तो आप इधर आ जाइए। नहीं साहब, वो यहाँ क्यों आए? वो तो पहले से वहीं खड़े। तो फिर आप इधर आ जाइए। जी नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन से डर लगता है, जो जहाँ खड़ा है वहीं ठीक है। क्यों साहब? और सुनाओ भैया आनंद, कहाँ जा रहे हो? बस जरा नई दिल्ली के नजारे देख रहा हूँ। अच्छा यार, एक फिल्म डेवलप करवानी थी, कोई अच्छी सी दुकान तो बताओ। दरियागंज में कोटे की एजेंसी है, वहाँ दे दो। दरियागंज? आने दो, बता दो। अच्छा बोले को इस तरफ सामने। थैंक यू। अच्छा फिर मिलेंगे भाई। ओके। आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? कौन आपके पीछे आ रहा? मैं तो अपने रास्ते जा रहा हूँ। फिर जाइए अपने रास्ते पर, यहाँ क्यों खड़े हैं? ये सड़क गवर्नमेंट की आपकी नहीं, शर्म नहीं आती लड़की को अकेला देख के छेड़ रहे हो? जाओ भाई जाओ, बड़े हिमायती बनकर आए। ये मामला क्या है भाई? मामला क्या होगा, ये पिलपिली साहब लड़की को छेड़ रहे थे। देश साले को एक झापट के बत्ती सी बाहर आ जाए। क्या बकवास करते हो? अच्छा तो हम बकवास करते हैं। अरे तुम लोग लड़ रहे हो, वो तो वहां खड़ा है। बाहर निकल, निकल तो बाहर, बताओ तुम्हें लड़की को छेड़ने का मजा? क्यों बे, किसने भेजा है तुझे यहाँ? निकल जा, तशरीफ ले जाइए। माफ कीजिएगा। अमा साहबजादे कहाँ चल दिए? मैं तो इस बेवकूफ को कह रहा था। आइए आइए, तशरीफ लाइए। बात दरअसल ये है कि मुझे बेसुरे आदमियों से सख्त नफरत है,
और आज दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सुर। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इस वक्त वर्ल्ड को यूएनओ से ज्यादा सुर की जरूरत है जी। तो कहिए साहबजादे, कैसे तशरीफ आवरी हुई? कुछ आपको भी संगीत विद्या से शौक? शौक? जी हाँ, शौक ही तो पीछे पड़ा हुआ है। बहुत खूब, बहुत खूब। अजी साहबजादे, बाय गॉड, आपकी आवाज भी बहुत सुरीली मालूम होती है, गोल्डन वॉइस। अच्छा तो जरा ये फॉर्म तो भर दीजिए, प्लीज फिल अप दिस फॉर्म। तो लाइए मैं ही भर दूं। आपका शुभ नाम साहबजादे? जी ये? जी ये? आनंद है भाई। मैं आपकी तबीयत नहीं नाम पूछ रहा हूँ। नाम भी आनंद है। अच्छा, हेलो कुमार स्वामी, तुम इधर कैसा आया जी? नमस्कार। नमस्कार कुमार स्वामी। हाँ, आनंद कुमार स्वामी। अच्छा। हमारा जात वाला, हमारा घर में रहता मुल्क वाला। सुनो जी, हमारा दोनों बच्चा ये मुरलीधर साहब के पास गाना सीखता। अच्छा तो मिस्टर कुमार स्वामी, आप 10 और 5 15 रुपए निकालिए। 15 रुपए? ओनली 15। 10 रुपए फीस और 5 रुपए दाखला। बटुआ मैं घर भुलाया हूँ, कल दे दूंगा। अजी आज का काम कल पे नहीं छोड़ा करते साहबजादे। 20। अच्छा तो साहबजादे, ये लीजिए 15 रुपए की रसीद, और 5 रुपए जो बाकी बचे ना वो आप मुझसे कल ले लेना। आयर साहब सुनिए, अब मैं मिस्टर आनंद को मास्टर जी से जरा मिला लूं। अच्छा जी, आइए 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 आइए। जानकी जानकी जरा इधर है ना। आप हैं? अरे साहबजादे जरा आगे आइए ना। ओ, 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 देखो भाई, ये है मिस जानकी देवी, म्यूजिक और डांस की प्रोफेसर, और आप हैं हमारे नए विद्यार्थी मिस्टर अनंत कुमार स्वामी। आदमी तो कुछ सुरीले ही मालूम होते हैं, संगीत का शौक इन्हें भी यहाँ तक खींच ही लाया। अच्छा तो तुम यूं करो कि इनके साथ ट्यूशन का वक्त मुकर्रर कर लो, समझ गई? और मैं जरा सम मनी अरेंजमेंट्स। अच्छा इधर तशरीफ लाइए, तुम लोग जरा आराम करो। तो आपको संगीत का शौक यहाँ खींच लाया है? जी कुछ ऐसा ही समझिए। तशरीफ रखिए, कुछ गाइए। गाइए? गाना सीखने तो यहाँ आया हूँ। वो तो मालूम है, मगर जिसे गाने का शौक हो वो खाली वक्त में कुछ ना कुछ तो गुनगुनाता है। जो कुछ भी आता हो सुनाइए, मैं जरा देखना चाहती हूँ आपका सुर कौन सा है। जी सुर कायम करना तो आपके अख्तियार में है, आप शुरू कीजिए ना। वैसे तो उस्ताद मच्छर खान ने मुझे कुछ दिन तालीम दी थी। ओ, तो फिर उन्होंने बंद क्यों कर दी? क्या बताऊं, फिर वो पागल हो गए। हो नहीं चाहिए था। देखिए मिस्टर आनंद, ये गाना बजाना आपके बस का रोग नहीं, मेहरबानी करके आप कोई और काम सीखिए। और क्या काम सीखूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। बहुत से काम है जो आप बखूबी कर सकते हैं। मसलन? दंगा, हुल्लड़बाजी, आवारागर्दी, रास्ते चलतों से छेड़छाड़। बेकार आप अपना वक्त और पैसा जाया मत कीजिए।
मिलते ही नजर, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। अफसोस है, अफसोस है कि आप भी मुश्किल में आ गए। मिलते ही नजर आए, मिलते ही नजर होए, मिलते ही नजर, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। क्या खबर थी अगर भूल जाएंगे हम। दिल के कहने पे बढ़ते गए ये कदम, क्या खबर थी अगर भूल जाएंगे हम। भूल जाएंगे हम, जाते थे कहीं, जाते थे कहीं और, कहीं और आ गए। मिलते ही नजर आए, मिलते ही नजर होए, मिलते ही नजर, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। मुस्कुराते गए दिल चुराते गए। ओ नैन जादू भरे मुस्कुराते गए, मुस्कुराते गए दिल चुराते गए। शिकवा जो किया, शिकवा जो किया हंस के हंसी में उड़ा गए। मिलते ही नजर आए, मिलते ही नजर हो, मिलते ही नजर, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। दिल भी दे जाएंगे, ये गम ही सही, ये गम ही सही आपसे हम कुछ तो पा गए। मिलते ही नजर आए, मिलते ही नजर, मिलते ही नजर, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। अफसोस है, अफसोस है कि आप भी मुश्किल में आ गए। ओ मेरे दिल में आ गए, ओ मेरे दिल में आ गए, ओ मेरे, ओ मेरे, ओ मेरे दिल में आ गए। आप मुझसे नाराज हो गए? आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? यहाँ भी आप पहुंचे मेरी हंसी उड़ाने के लिए। जानबूझकर तो पहुंचा नहीं मास्टर जी, अगर तकदीर हमें एक जगह लाकर खड़ा कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप तशरीफ तो ले जा सकते हैं। क्यों, क्या मैं इतना बेसुरा हूँ? जी नहीं, आप बड़े सुरेले हैं। आप संगीत सीखने आए हैं या सिखाने? सिखाने। और क्या, आप इतना अच्छा तो गाते हैं। जी गाता तो हूँ, मगर आप जैसे उस्ताद के हाथ फिर जाए तो और भी अच्छा गाने लगूंगा। मेरा मतलब है, कलाकार की उंगलियां मामूली मिट्टी को मंदिर की मूर्ति में बदल देती। वाह 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 मिस्टर अनंत कुमारा स्वामी, आप तो सम्राट निकले सुर के। आई मीन टू से एम्परर ऑफ म्यूजिक। बाय गॉड, मैं तो झूम झूम ही गया। भाई जानकी, तुम बड़ी खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसा शागिर्द मिला। जी खुशनसीब तो मैं हूँ जो मुझे ऐसे उस्ताद मिले। और हाँ मिस्टर आनंद, इस फर्नीचर को जानकी के यहाँ पोंगल त्योहार मनाया जा रहा है। साहिबजादे आप भी जरूर तशरीफ लाइएगा। पोंगल? अरे भाई,
आप तो मद्रासी हो ना, इस त्यौहार की ग्रेटनेस को जानते ही होगे। जी हाँ जी हाँ, पोंगल, पोंगल त्यौहार, पोंगल त्यौहार को कौन नहीं जानता। और उस रोज तो और भी मजा आएगा, क्योंकि उस दिन है फुल मून नाइट, यानी पूरे चांद की रात। जी हाँ, ऐसी ही होती होगी पूरे चांद की रात। कैसी? जैसी आपकी हंसी, यूं ही मिसाल के तौर पर कह रहा था। हाँ, 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 समझ गया। आइएगा ना। जी नहीं, शायद नहीं आ सकूंगा, पहले से एक जगह जाने का वादा कर चुका हूँ। कोई बात नहीं, यहाँ भी कोशिश करेंगे आपके बिना उत्सव मनाया जा सके। कोई बात नहीं साहबजादे, बुरा नहीं मनाना, वैसे तो ये लड़की बड़े अच्छे दिल की है, गुड नेचर्ड गर्ल। आओ आओ। राम भजनी बहन, आज पोंगल का प्रोग्राम हो जाए, बस कल ही मोहिनी बिटिया के लिए एक सुंदर सा लड़का ढूंढता हूँ, जैसी साधु राम की भांजी वैसी मेरी भांजी। हाँ भैया, अब तो तुम ही कुछ करो तो करो, ये साधु तो मेरा साधु ही है, बचपन से ही इसने किसी की चिंता नहीं की। अरे बहन, आदमी आदमी की क्या चिंता करेगा, सबकी चिंता करने वाला ऊपर बैठा है। भगवान ने चाहा तो मैं जानकी और मोहिनी की डोली साथ ही साथ निकालूंगा। अच्छा पिताजी, तो मैं प्रोग्राम की तैयारी करती हूँ। हाँ बेटिया, जल्दी करो और अपनी बुआ को अच्छी सी जगह बिठा दो। सरराम जी, तुम भी चलिए। मुरलीधर जी, चलिए। अरे कुमार स्वामी, नमस्कार। आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ, मैं तो समझा था कि आप भूल ही गए होंगे। ये कैसे हो सकता है जी, यहाँ आने के लिए तो मैंने एक जरूरी दावत से इनकार किया है। ओह थैंक यू वेरी मच, अभी प्रोग्राम शुरू होने ही वाला है, चलिए चलिए। Thank you.
देर के लिए तो ऐसे लगा जैसे वक्त ही रुक गया हो। ऐसा नाच मैंने तो कभी नहीं देखा। लेकिन आप तो कहीं और जाने वाले थे ना? मैं तो यहीं आने वाला था। वो कैसे? दरअसल मुझे उन्होंने बुलाया था, वो साउथ इंडियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। क्या? कौन? पिताजी? नहीं, मिस्टर सुब्रमण्यम। वो तो मेरे पिताजी हैं। आपके पिताजी? जी हाँ। अच्छा, तो आपके पिताजी हैं? ओहो बेटी, ये है मिस्टर। अरे आप तो एक दूसरे को जानते हैं? जी, मैं कला मंदिर का विद्यार्थी हूँ। ओह, ऐसी ऐसी, लो कॉफी पियो। हाउ डिड यू लाइक हर डांस? नमस्ते जी। नमस्ते। क्या है पिताजी? वो मेनन की जगह एक नए मैनेजर आ रहे हैं, कल वो ऑफिस का चार्ज लेना चाहते हैं। लेकिन कल तो इतवार है, छुट्टी के दिन भी चार्ज लेगा? कैसा है वो मैनेजर? पंजाबी है, अभी तो इतना ही पता है। क्यों मिस्टर कुमारस्वामी, आपका तो इन लोगों से काफी वास्ता रहा है। जी, मेरा जिन पंजाबियों से वास्ता रहा है वो तो काफी अच्छे हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे मुंडू, कभी कभी जरूर आया करो। जी जरूर। आप ठहरिए, मैं चला जाऊंगा। कोई बात नहीं। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा तो आज्ञा दीजिए। मालूम होता है आप बहुत जल्दी में, शायद हम लोगों से उकता गए। ये क्या कह रही हैं आप, भला आप मुझसे भी को उकता सकता है? मेरा बस चले तो मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त आप ही के साथ गुजारूं। अरे हाँ, कल आपका प्रोग्राम क्या है? कल तो मुझे लाल किले जाना है, म्यूजियम में डांस वगैरह के लिए मुगलिया पोशाकों के डिजाइन देखने। अच्छा, खैर ये तो हुई काम की बात, उससे पहले क्या कर रही हैं आप? उससे पहले क्या कर सकती हूँ आप ही बताइए। कल इतवार है, क्यों ना जमना चला जाए, वहाँ कोई बोटिंग का इंतजाम तो होगा ही। बोटिंग का इंतजाम तो राष्ट्रपति भवन के सामने भी है, वो जगह ज्यादा अच्छी रहेगी। आप साथ हो तो हर जगह अच्छी है। अच्छा तो मैं कल सुबह 9:30 बजे तक आ जाऊंगा। आपका घर रास्ते में पड़ता है, मैं ही आपको बुला लूंगी। शुक्रिया। उम्मीद है आपको मेरा नाम तो याद होगा। मिस्टर कुमारस्वामी। आनंद कुमारस्वामी, मगर आपके लिए सिर्फ आनंद। आनंद। पिताजी का खत है। बरखुदार आनंद, तुम्हें यह पढ़कर खुशी होगी कि मेरी तब्दीली नई दिल्ली हो गई है। हम सब इतवार को सुबह फ्रंटियर मेल से पहुंच रहे हैं। कंपनी की तरफ से मकान का बंदोबस्त हो चुका है, स्टेशन पर मिलना कल सुबह।
मर गए। माँ जी तो रहा मेरे बेटे, कैसा है मेरा लाल? अच्छा पिताजी। ठीक है ठीक है। देखो बेटा ये फहरिस्त, बाकी सामान ब्रेक से निकलवा लेना और देखो सबना ठीक से गिन लेना। चलो भाई जल्दी करो। अच्छा बेटा तूने नौकर का कोई इंतजाम किया है? मैंने सब ठीक कर लिया है माँ। माँ नौकर क्या जरूरत है, ये भैया जो है। देखो माँ ये दीक्षी को समझा लूँ तुम। उतर दे झगड़ा शुरू कर दिया, चल निकल। चलो बेटा लो माँ नौकर भी ले आया। आओ आओ, बहुत अच्छा आदमी है। नमस्कार माता जी। क्या नाम है तेरा? कुमारा स्वामी। क्या कुमारा स्वामी जी? जा बे जा, मैं स्वामी वामी नहीं कहूंगी। हमारे यहाँ नौकर को मुंडू कहते हैं, मुंडू। मैं भी तुझे मुंडू ही कहूंगी। जो मर्जी आए वो कहो जी। भैया तू मुझे गधा कहता था। कहाँ का है तू? मद्रास का हूँ जी। अच्छा चलो अभी रसोई में चलकर बर्तन वर्तन साफ कर ले। चलो आ मेरे साथ। तनख्वाह के बारे में जा जा। कहाँ चला है ढहराम? मैंने सब काम कर लिया है पिताजी, एक एक नग अच्छी तरह से गिन लिया है। ये लीजिए फहरिस्त, बेशक आप भी देख लीजिए। वो तो देख लूंगा, पहले सारा सामान अंदर लगवा। सब पर नीचे वैसे ही रखा है, घर क्या माल गोदाम नजर आता है। पानी पिला। मुंडू आया जी। पिताजी के लिए एक गिलास पानी लाओ। अच्छा जी। मुंडू नौकर लाया क्या? हाँ पिताजी, अब तो जा सकता हूँ। चुप रह, कहाँ का रहने वाला है? मद्रास का हूँ जी। आनंद तू जो काम करेगा दुनिया से निराला। अरे मूर्ख, मद्रासी नौकर का पंजाबी घर में क्या काम? पिताजी पंजाबी खाना बड़ा फर्स्ट क्लास बनाता है और इसके अलावा आदमी मेहनती और ईमानदार है। हाँ हाँ बड़ा सीधा है बेचारा, आते इसने मेरे पाँव छुए। बस बस फिर तो हो गया सारा काम। तुम्हारे जो पाँव छुए उससे बढ़ के दुनिया में दूसरा कोई नहीं। मंडू जी हुक्का तादा कर ला। तू खड़खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जाके कुछ काम कर। कह जो दिया है तू बाहर नहीं जा सकता। क्या है निक्की? पिताजी मैं लाल किला देखने जाऊं? अरे आज ही तो आई है, फिर किसी दिन चली जाना। आज क्यों नहीं? आज तेरे साथ जाएगा कौन? भैया नहीं जा सकते? नहीं उसे आज बहुत काम है। क्या काम है? सामान ही लगाना है ना, मुंडू आ गया है वो कर लेगा। पर तू लाल किला कल नहीं दे सकती है? पिताजी आप तो हमेशा इसी तरह करते हैं, हर बात में कल, हर चीज इनका। अच्छा अच्छा दोनों शक्ल न बना, जा आनंद से कर ले जा तू। पिताजी आनंद, ओ आनंद। आया पिताजी। क्या बात है पिताजी? आनंद अपनी बहन को लाल किला दिखा ला जाके। लाल किला आज? हाँ अभी। अभी कैसे जा सकता हूँ पिताजी, घर का सारा फर्नीचर वैसे रखा है, सारा का सारा काम वैसे ही पड़ा है। जाता कि नहीं? काम का बच्चा, तेरे पैदा होने से पहले इस घर का काम कैसे होता था? मगर पिताजी आपने तो खुद ही कहा था। और मैं अब भी खुद कह रहा हूँ, जा निक्की के साथ। चलो ना भैया। तू चुप रहे, अब मैं आपको कैसे? तू चुप रहे, जा निक्की के साथ। जैसी आपकी इच्छा, चल निक्की। चलो ये इंडिया गेट। पहली लड़ाई में जो बहादुर मारे गए थे ये उनकी यादगार है।
पूरा कर दे, मैं 10 मिनट में आता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो लाल किला ही देखूंगी। ये है दीवाने आम। दीवाने आम क्या? दीवाने आम नहीं समझती? अरे भाई, यहाँ आम दरबार लगता था। इस तख्त पर बादशाह बैठते थे और यहाँ आगे राजा महाराज, उनके पीछे नवाब अमीर और वहाँ खास ऊपर हम जैसे थे, समझी? चला आगे। अरे ये तो अशोक है। अशोक, हेलो अशोक। कहो भाई, कैसे हो? ठीक हूँ। ये है मेरी बहन निर्मला, इसे लाल किला दिखाने लाया हूँ। अच्छा। और ये है मिस्टर अशोक बनर्जी, बड़े अच्छे चित्रकार। नमस्ते। और सुनाओ, क्या बना रहे हो? कुछ बन ही नहीं पा रहा, बहुत खाके बनाए और मिटा डाले। जान पड़ता है कोई लंबी उड़ान लेना चाहते हो? अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपका एक स्केच बनाने की इजाजत मिल सकती है? जी। बुरा ना माने? अरे ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम जैसा कलाकार ऐसी फरमाइश करे। फिर भी आपका क्या ख्याल है? जी, मैं क्या? अरे इसे तो खुद ही तस्वीरें बनाने का शौक है। ये तो और भी खुशी की बात है। अच्छा ये तो बताओ, स्केच बनाने में 20-25 मिनट तो लगेंगे ना? हाँ, इतना तो समझो। तो ठीक है, मैं प्रोफेसर साहब से अभी एक बात कहकर आता हूँ। जल्दी आना भैया। गया और आया। माफ करना जानकी, मुझे जरा देर हो गई। बात दरअसल ये है। हाँ हाँ, मालूम है, तुम्हारे पिताजी आ गए। हाँ। कहाँ ठहरे? वो अपने एक दोस्त के यहाँ। अच्छा अच्छा, आओ बैठो तो सही। ओ लाओ चप्पू, मुझे दे दो, तुम्हारे हाथ थक गए होंगे। हाथों का तो पता नहीं, मगर तुम्हारी रात तकते तकते आंखें जरूर थक गई। बस धन्यवाद, स्केच पूरा हो गया। अभी तो ये स्केच है, पोर्ट्रेट तो बाद में बनेगा। भैया अभी तक नहीं आए? आते ही होंगे। ओ, आप तो लाल किला देखने आई थी, तो जब तक आनंद आता है चलिए मैं ही आपको लाल किला दिखा दूं। चलिए चलिए, पहले दीवाने आम की तरफ चले। ये तो भैया दिखा चुके हैं। अच्छा, तो आइए फिर सावन भादों की तरफ चलें। अरे भाई आनंद, तुम यहाँ हो? मैं तो तुम्हारी तरफ ही आ रहा था, मैं जरा इनके साथ म्यूजियम चला गया था। अरे हाँ, इनसे मिलिए। ये है जानकी देवी, नृत्य और संगीत की कलाकार, और ये है अशोक बनर्जी, बड़े अच्छे चित्रकार। और ये है आइए चाय वगैरह पिए। लेकिन तुम इतनी देर से गए कहाँ थे? आनंद, इनका परिचय नहीं करवाया? आप है निर्मला देवी, आनंद की बहन। आनंद की बहन? हाँ हाँ, मैंने कहा था ना, मेरे पिताजी अपने दोस्त के यहाँ ठहरे हैं, ये उनकी बेटी है। बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, इसके पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। नमस्ते। 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 अच्छा तो ये थे तुम्हारे प्रोफेसर जिनके लिए बार बार मुझसे पीछे छुड़ा रहे थे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि उससे परिचय कराने में तुम्हें शर्म आई? नहीं नहीं मेरी छोटी बहन, बात दरअसल ये है कि वो मद्रासी है और मकान लेने के लिए मुझे भी मद्रासी बनना पड़ा था। अगर मैं तेरी मुलाकात उससे कराता तो सारा मामला ही चौपट हो जाता। मामला? कैसा मामला? तू तो समझती नहीं। अच्छा तो ये बात है, तुम्हारा मामला तो मैं आज ही चौपट की देती हूँ। जरा पिताजी के सामने तो चलो। क्या
कहूंगी, जरूर कहूंगी। हाँ, बेशक कह देना। तू समझती मैं तेरी खुशामद करूंगा? हाँ। हरगिज नहीं, मैंने किसी की चोरी की है, डाका डाला है, मुझे किसका डर है? मैं पिताजी के सामने छाती ठोक कर सब कुछ कह दूंगा। आया पिताजी। निकी, मैं तो मजाक कर रहा था, तू मेरी छोटी बहन है ना, है? लगा मेरे पांव को हाथ। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। लगा मेरे पांव को हाथ। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं पिताजी, निक्की के बगल का सैंडल का बगल टूट गया, ठीक कर रहा हूँ। ओह, क्यों निक्की, देख लिया लाल किला? जी। और क्या क्या देखा? और देखा भैया के प्रोफेसर साहब को। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बगल ठीक कर रहा था। ओ, कैसे लगे आनंद के प्रोफेसर? जी अच्छे ही लगे, बातचीत तो बड़े लायक नजर आते हैं। पर ये जो नाला ठहरा, अकेला प्रोफेसर बेचारा क्या करे? सुनो मस्करे, अब उस्ताद काम का मिल गया है, तू भी अपनी तरह से मेहनत कर। बुजुर्ग कह गए हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और इस मेहनत का फल तो और भी मीठा होगा। पिताजी मैं तो अपनी तरफ से पूरी तो। अच्छा अच्छा, खाना तैयार है, तुम दोनों अंदर जाओ। जाओ। जेंटलमैन, हमारी कंपनी के नए मैनेजर मिस्टर दौलतराम खन्ना। आप हैं अपनी कंपनी के कैशियर मिस्टर जटाशंकर। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। विल यू प्लीज? नो थैंक्स, आई एम सॉरी। आप हैं श्री बूटाराम भल्ला, हमारे सुपरवाइजर। नमस्ते लाला जी। नमस्ते भल्ला जी, कहिए कैसे हैं? बस जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी है आपकी। बैठिए बैठिए। ये कौन है? ये मिस्टर सुब्रमण्यम, अपने अकाउंटेंट। ये आए तो मेरे पास भेज दीजिएगा। बहुत अच्छा। लाला जी, ये आ गए हैं सुब्रमण्यम साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर दौलतराम खन्ना, आवर न्यू मैनेजर। वेरी प्लीज टू मीट यू सर। आपके आने का ये वक्त, लेकिन ऑफिस का टाइम 10 बजे है सर। ये देखिए 10:10 हो चुके। लेकिन ये तो करेक्ट रेडियो टाइम है सर। होगा, लेकिन आज से ऑफिस में ये टाइम चलेगा। ओके सर। चपरासी, ये घड़ी भी ठीक कर दो। देखिए मिस्टर सुब्रमण्यम, आप एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं, अगर आप लेट आएंगे तो दूसरे स्टाफ पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइंदा से ख्याल रखूंगा सर। कोई बात नहीं, फाइल लेकर अंदर आइए। जल्दी करो ना। बस थोड़ी देर है बीबी जी। पिताजी उपमा और दूं? बस बस बेटी, और नहीं चाहिए। क्यों, अच्छी नहीं लगी क्या? अरे क्या बात करती है, तू उपमा बनाए और अच्छी ना लगे, मैं तो हमेशा भूख से ज्यादा ही खा लिया करता हूँ। और आज मुझे जल्दी भी तो जाना है, ऑफिस जाने में देर हो रही है। ठहरिए पिताजी, जरा बटन लगाना है। ओके पिताजी। अभी तो 9:30 भी नहीं बजे। लेकिन दौलतराम स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक अभी 10:45 बज चुके होंगे बेटी। क्यों, उसकी घड़ी सारी दुनिया से निराली है क्या? वो भी तो सारी दुनिया से निराला है बेटी। नमो भगवते वासुदेवाय। मिस्टर मेनन तो बड़े अच्छे आदमी थे। मेनन की क्या बात थी, मद्रासी भाई था, अपना आखिर अपना होता है। जैसे आनंद है, चाहे पला पंजाब में हो, फिर भी अपना पन नहीं छोड़ा उसने। वो आया क्यों नहीं इतने दिनों से? उसके पिताजी आए हुए। अच्छा, ये तो और भी अच्छा हुआ। वो अगर तुम्हें मिले तो उससे कहना मैं उसके पिता से मिलना चाहता हूँ। क्यों पिताजी? पगली, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। रामचंद्रा, 9:30, मेरा मतलब 10:45 बज चुके। पिताजी जूते के बिना ही चले जाएंगे? अरे भूल ही गए। अरे मुंडू, जूता पॉलिश नहीं किया, जल्दी ला। ले आया साहब जी।
ऐसे ही दंड पाता रहता है। अरे देर हो गई, जल्दी ला। हेलो साहब जी। ना ना ना। पिताजी पिताजी, जुराब नहीं पहनी? ला बेटा ला, अब मैं बस में ही पहन लूंगा। लेकिन बात क्या है? मैं पूछता हूँ वो क्यों मिलना चाहते हैं? ये तो उन्हीं से पूछना, मुझे नहीं मालूम। लेकिन तुम्हारी हंसी बता रही है तुम्हें सब कुछ मालूम है। जैसे तुम्हें पता ही नहीं, ज्यादा बनो मत। लड़की का बाप लड़के के बाप से क्यों मिलना चाहता है? क्यों? ओह ओह, समझ गया। लेकिन ये तो बताए ही नहीं तुम रहते कहाँ हो। यही रहता हूँ, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किस जगह, कौन सी सड़क पर? कौन सी सड़क पर? सड़क पर लो, मैं तो नाम ही भूल गया, मगर है किसी बादशाह के नाम पर। बाबर रोड? नहीं, हुमायूं रोड। अकबर रोड? अकबर रोड नहीं। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, रंजीत सिंह। यही तो मुसीबत है, अगर इतने बादशाहों के नाम याद होते तो हर बार इतिहास के पर्चे में क्यों फेल होते। नई दिल्ली की सड़कें क्या बनाई हैं, हिंदुस्तान की पूरी तारीख लिख दी है। मगर इस बात के लिए वो क्यों कष्ट करें, मैं खुद अपने पिताजी को ले आऊंगा। लेकिन कब? कल आओगे? कल? अच्छा कल ही आ जाऊंगा, मगर कितने बजे? चार बजे। चार बजे? चार बजे, अच्छा। जरूर आना, भूलना मत। भूलूंगा कैसे, मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आएगी। क्या बात है भैया, बड़े फिक्र में हो, क्या प्रोफेसर साहब से झगड़ा हो गया? अरे हुआ नहीं होगा, जब उसे पता चलेगा कि मैं पंजाबी हूँ। जानकी के बाप ने आज पिताजी को बुलवाया है। बस तो ले जाओ ना पिताजी को। हाँ हाँ, मरना जो है, जानती है उसका बाप क्या कहता है? कहता है अगर पंजाबी और सांप मिल जाए तो पहले पंजाबी को मारो। ये कौन सी नई बात है, हमारे पिताजी भी तो यही कहते हैं, सभी एक दूसरे के मुतालिक यही कहते हैं। मद्रासी पंजाबी को, पंजाबी सिंधी को, सिंधी गुजराती को, गुजराती मारवाड़ी को, ये आग तो सारे हिंदुस्तान में लगी है। मैं सारे हिंदुस्तान को क्या करूं निक्की, मुझे तो अपनी जान के लाले पड़े हैं। 3:30 बज चुके हैं, मैंने कहा था ठीक 4 बजे पिताजी को लेकर आ जाऊंगा। चाय लीजिए जी आनंद बाबू। तो कोई बहाना कर दो ना, तुम्हारी तो आदत ही है। चाय? मुंडू इधर। हाँ हाँ इधर। क्या देखते हो जी? निक्की वो मारा। नहीं नहीं भैया, क्या पागल हो गए हो? पिताजी वो तो ऊपर है जी। क्या है? क्यों चीख रहा है? कुछ नहीं पिताजी। कह दो ना भैया, पिताजी इसके प्रोफेसर जानकी दास आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे फुर्सत नहीं किससे मिलने मिलने की, उसे करा तो खुद यहाँ आ जाए, कह देना। बहुत अच्छा पिताजी। जानकी दास की बच्ची, दो कानों में सर कर दूं। चल जा, चल जा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। अबे क्या मुर्दों की तरह चल रहा है, जरा अकड़ के चल, देखा नहीं मेरे पिताजी कैसे चलते हैं? आज तू मेरा बाप बन के जा रहा है। यही तो मुसीबत है जी, उन्हें पता चला तो मेरी चटनी बना देंगे। पता कैसे चलेगा, पागल कहेगा, चल। नहीं स्वामी, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। अबे तू वक्त पे धोखा देता है, उठ। हेलो मिस्टर कुमारस्वामी। नमस्कारम। नमस्कारम, क्यों क्या बात है? कुछ नहीं, पिताजी की तबीयत जरा। ओ चलिए पिताजी अकड़ के। स्वामी। अरे मुंडू सब कुछ तैयार है ना? हाँ जी। इधर लाके रख दो। जानकी कहाँ हो बेटा? आई पिताजी। जल्दी करो बेटा, वो आ गए। और खाने पीने का जल्दी इंतजाम करो। नमस्कार। नमस्कार।
अरे आनंद, बड़ी देर हो गई आने में, क्या बात है? मैंने कहा था ना, पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए जरा दम लेने रुक गए थे। अरे अब कैसी है? अब तो बिल्कुल ठीक है। वो करेंगे, अरे क्या करें, ऊपर बैठिए। உங்களை போல பேரியே வேற நம்ம வீட்டுக்கு வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப சந்தோஷம். ஆமா ஆமா, எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். पिताजी हिंदी में बोलिए ना, ये हिंदी समझते हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, आनंद तमिल बहुत कम बोला करता है। अब वैसे मैं भी आजकल हिंदी बोलता हूँ। हाँ। मेरी बेटी भी हिंदी बोलती है। हाँ। क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा हो गई है ना। वैसे आप यहाँ कब से आए हैं? हमको आने को इधर एक महीना, एक साल, एक बीस, एक बीस। बेटी इन्हें नमस्ते करो, आशीर्वाद लीजिए ना, लीजिए। हम इतना अकेला कैसा खा सकता है, हम बीमार है, थोड़ा खाइए। आनंद आनंद तुम ले ना, ले। खाओ खाओ, अपना घर है, खाओ। ये जलेबी लीजिए ना। आपका आनंद बहुत अच्छा लड़का है, आज मालूम हुआ ये इतना अच्छा क्यों है। अब बेटा आखिर बाप पर ही जाता है ना। पिताजी क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैंने आज आपको इसलिए कष्ट दिया। हाँ, हाँ। मैं पूछना चाहता था कि आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है जी। ये तो आपको मेरे पिताजी से पूछना पड़ेगा जी। आपके पिताजी से? नहीं नहीं, इनके पिताजी से, यानी कि मुझसे। आप बड़े विट्टी हैं, मैं आप ही से पूछ रहा था। क्या कहूं मैं क्या। मैं बीच में आने वाला कौन होता हूं जी, ये इसके मर्जी की बात है। पिताजी आप बड़े हैं ना, आपका हाँ कहना जरूरी है। हाँ 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 जी, वैसे तो सब कुछ तय हो ही गया है। अब सिर्फ तिथि निकालने की। हाँ निकालेंगे, निकालेंगे। लाइए पिताजी, मैं देता हूँ। ओह गिर जाएगा पिताजी। नहीं गिरेगा। कोई बात। अरे मुंडू आया जी। नहीं मैं आपको नहीं, अपने नौकर को बुला रहा हूँ। मुंडू जल्दी कपड़ा ले गया। अरे वो तो अपना ही घर है बाबा। माफ कीजिए मैं जरा। ये क्या हो गया तुमको मारा स्वामी? क्या हो गया, तुमने हमको बाप बना, तुम्हारा बाप आएगा तो हमको मार खाएगा क्या? कौन साहब? अरे सुब्रमण्यम तुम यहाँ रहते हो? यस सर। आइए आइए, पर आइए ना सर, अभी तो जरूरी काम है, फिर कभी आऊंगा। जरा कॉफी तो पीते जाइए। अच्छा अच्छा, तुम कहते हो रास्ता किधर है? मैं अभी आता हूँ नीचे। माफ कीजिए, मैं मिस्टर खन्ना को लेकर अभी आता हूँ। अच्छा मौत आ गई, ऊपर आ गई, ऊपर आ गई। आपने तुमको पहले बोल दिया था कि झंझट में मत बचाओ करके, हमें शाम को झंझट में बचाओ। क्या बात है? कुछ नहीं, पिताजी को दौरा पड़ गया है। पिताजी आपको दौरा पड़ गया है? इन्हें जरा अंदर चलकर लिटा दे। आइए इनके साथ खा दीजिए। आप यहाँ चुपचाप लेट जाइए पिताजी। कैसी बीमारी है ये? मिर्गी। मिर्गी? हाँ हाँ, बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। अच्छा तो मैं डॉक्टर को बुला। नहीं नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ जी। आप कहाँ जाते हैं पिताजी, आप बीमार हैं। भूल गया, मैं अपने फैमिली डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, वो इस बीमारी को अच्छी तरह समझते हैं। अरे हमको अकेला मरने को छोड़ के कहाँ जाता तुम बेटा? मैं अभी आता हूँ पिताजी। आप आराम कीजिए पिताजी। आइए सर, इधर आइए। वाह 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 वाह, तुम्हारा मकान तो खूब है मिस्टर सुब्रमण्यम। किसी सूरत मिल गया सर, ये मेरी बेटी का कमरा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए ना ड्राइंग रूम में आइए, मैं आपसे जरा मुलाकात करा लूं। हाँ, तो, तो, चलिए। आइए सर आइए। अरे ये लोग सब कहाँ चले गए? जानकी
जी बेटा नमस्कार करो, ये मेरे ऑफिसर खन्ना साहब। जीती रहो। उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई। किसकी तबीयत खराब हो गई जी? वो मेरे होने वाले समधी, डॉक्टर को बुलाया। वो लेने गए। क्या बीमारी है जी? मिर्गी कहते हैं। मिर्गी? अरे वो तो मिनटों में ठीक हो जाती है। आओ आओ आओ। बेटा बेटा खन्ना साहब के लिए जल्दी कॉफी बना के लो। ये मिस्टर सुब्रमण्यम। यस। इसका सिर्फ एक ही इलाज है। व्हाट? जूता। जूता? हाँ, कोई जूता ले। ये लीजिए सर। अरे मद्रासी चप्पल नहीं तो पंजाबी जूता, इसका एक ही इलाज है। मैं ही अपना जूता निकाल लेता हूँ सर। लिटिल, धीरे धीरे सर। अरे भाई मारूंगा नहीं, सिर्फ सुनाना। स्वामी देखिए, स्वामी नाक स्वामी वेंकट रमणा। अब देखना मिस्टर सुब्रमण्यम। यस सर। ये मिर्गी चटकियों में जाती है। अरे बड़ी आजमदा चीज है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जानकी शीघ्र काफी कुंडवा माँ। बरेंपा घबराओ नहीं सुब्रमण्यम, मिर्गी पुरानी मालूम होती है, नहीं तो अब तक तो होश आ जाता। कोई बात नहीं, मुंह को लगा के पीजिए। मिस्टर सुब्रमण्यम। यस डॉक्टर, ये पेशेंट है। ओ आई सी। हाय, ये जूता किसने रखा है? ये मिर्गी है डॉक्टर, मिर्गी, इसका एक ही इलाज है। व्हाट नॉनसेंस, ये सब कौन है? इनसे कहिए कि बाहर चले जाएं। डॉक्टर, तुम जानते किससे बातें कर रहे हो? मैं खूब जानता हूँ, मगर आप नहीं जानते आप किससे बातें कर रहे हैं। तुम जैसे डॉक्टर मैंने बहुत देखे हैं। और मैंने भी आप जैसे कई टोटकेबाज देखे हैं। जानते हैं, अगर मरीज का दम घुट जाता तो आपको जेल की हवा खानी पड़ती। अरे राजा, माँ ने जम के चटिया नहीं, आया मैंने जेल पे जम। माइंड योर लैंग्वेज, मैं पंजाबी बोलता नहीं हूँ मगर समझता जरूर हूँ। आई एम गोइंग मिस्टर अभिमन्यु। प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं बल्कि इलाज करने आया हूँ। Yes, अगर आप चाहते हैं कि मरीज की जान बच जाए तो इन्हें बाहर जाने के लिए कहिए। अरे तुम कौन हो तो मुझे निकालने वाले? हम खुद बाहर जा रहे हैं। सर खन्ना साहब, आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं सुब्रमण्यम, मैं तो खुद ही जा रहा था और फिर जब डॉक्टर आ गया तो मेरी क्या जरूरत। अच्छा मैं भी आता सर। बेबी बेबी जरा एक ग्लास गर्म पानी लाना। डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी करो जल्दी करो। उल्टे हो उल्टे। डॉक्टर साहब अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मरता क्यों है, मुझे नहीं पहचाना? आनंद बाबू। खन्ना साहब गए गए। देखो तुम थोड़ी देर और लेटे रहो, मैं एक मिनट में आता हूँ। जल्दी आना। हाँ हाँ जल्दी आना। वेल मिस्टर सुब्बाराव। सुब्रमण्यम डॉक्टर। सुब्रमण्यम, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी दो मिनट में ठीक हो जाएंगे। ओके ओके डॉक्टर, लेकिन आनंद कहाँ है डॉक्टर? आनंद मैंने उसे दवाई लेने के लिए बाहर भेजा है, अभी आ जाएगा। ओके डॉक्टर, योर फीस प्लीज। फीस माफ कीजिए, मैं फैमिली डॉक्टर हूँ, मैं फीस नहीं लूंगा। नहीं कोई बात नहीं। नहीं थैंक यू मेंशन नॉट प्लीज। मिस्टर कुमारस्वामी। How do you feel, Mr. Kumaraswamy? आनंद नहीं आए? वो दवाई लाने गए हैं, अभी आते होंगे। देखो बेटी, आए किस लिए थे और क्या हो गया? डॉक्टर आया था? हाँ, अभी इंजेक्शन दे गए। अच्छा, दवाई लाए? हाँ लाया हूँ। नहीं रहने दो, मैंने घड़ी ले जाता हूँ। पिताजी अब आपकी तबीयत कैसी है? बड़ी मुश्किल से जान बचाई। ऐसी हालत में ले जाना अच्छा नहीं, आनंद ने यही आराम करने दो। हाँ, नहीं आप लोग समझते नहीं है, इनकी तबीयत जरा ज्यादा खराब है, मैंने घड़ी ले जाता हूँ। घर जाना ही ठीक है। ओके ओके। आनंद पिताजी की तबीयत अच्छी होने पर जरूर खबर देना। बहुत अच्छा। आपने डॉक्टर को कुछ दिया तो नहीं? अरे कोई बात नहीं, वो तो नहीं ले रहे थे, मैंने उन्हें 15 रुपए दे दिए। 15 रुपए? ये आपने क्या किया, ये कैसे हो सकता है? क्या है बात, हमारे लिए आपके जुर्माना भरे। अरे नहीं आनंद, नहीं आप तो शर्मिंदा। अच्छा नमस्कार। अच्छा नमस्कार। नमस्कार। जानकी कुछ भी कहो,
खानदान का पता चेहरे से चल जाता है बेटा। आदमी बड़ा भला मालूम होता है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। ये कैसे हो सकता है, जीवन में कुछ ही तो ऐसी बातें होती हैं जो याद रहती हैं। आनंद ने आपको मेरा संदेशा नहीं दिया? संदेशा तो मिलते रही है। आप बैठिए ना, कहीं क्या पीजिएगा, चाय या लस्सी? जो आप पिलाएं। पिताजी कहाँ हैं? अभी आते ही होंगे, जरा माँ को बिरला मंदिर दिखाने ले गए हैं। आप बैठिए, मैं भी आती। निक्की? अरे ये आप क्या देख रही हैं? ये जो हर चित्र के नीचे निक्की लिखा है, आपका उपनाम है क्या? मैं घर में सबसे छोटी हूँ ना, इसलिए घर वाले प्यार से निक्की कहते हैं। ओह, तो क्या बाहर वाले निक्की नहीं कह सकते? वैसे तो निर्मला भी बड़ा अच्छा नाम। जो आपको अच्छा लगे वही कहिए। ये तस्वीरें देखकर तो आपको जरूर हंसी आई होगी। मैं तो बिल्कुल ही अनाड़ी हूँ। इन्हें देखकर तो यकीन नहीं होता कि आप अनाड़ी। कलाकार में जो उड़ान होनी चाहिए वो आप में मौजूद है। पिताजी, आप हैं अशोक बाबू जिनका भैया जिक्र कर रहे थे। ओ हाँ हाँ, आनंद आपकी बड़ी तारीफ कर रहा है। कहिए कैसे मिला जी? आशीर्वाद है। कहिए बिरला मंदिर कैसा लगा आपको? मंदिर की क्या बात है, लाखों की लागत से बना। इसकी भावना थी तो दिखा लाया। बैठिए बैठिए। हाँ अशोक बाबू, इस बच्ची को कुछ पेंटिंग का शौक है। मैं जानना चाहता था इसके शौक के कुछ मानी है? जी हाँ, इनकी तस्वीरें देखते तो पता लगता है कि ये एक अच्छी चित्रकार बन सकती हैं। बाकी ये तो करते की विद्या है। वो तो ठीक है, अगर आप कुछ वक्त निकाल सकें तो इसके सिखाने की जिम्मेदारी आप ही ले लें। जी, मैं तो इसे अपना सौभाग्य समझता, लेकिन कला मंदिर का काम आजकल बहुत जोरों से चल रहा है। अगर आप मुनासिब समझें तो आनंद के साथ ये भी वहाँ आ सकती हैं, वहाँ बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हाँ हाँ, फिलहाल ये भी ठीक है। अच्छा तो फिर आप जाएंगे? जी हाँ, अब आज्ञा दीजिए। आज्ञा कैसी, खाने का वक्त हो गया, खाना खाकर जाओ। जी खाना तो, अरे भाई ये तो गलती से ही किसी को खाने को कहती है, इनकार मत करना। अशोक, ये सेट बनाने में तो तुमने कमाल ही कर दिया। ये कोई कह ही नहीं सकता कि ये पेंटिंग है। बाय गॉड, ये तो बिल्कुल रियल मालूम होता है। मुरलीधर जी, इस काम में निक्की ने भी मेरा बहुत हाथ बटाया है। हाँ हाँ, ये तो जाहिर ही है। उधर आनंद और जानकी ने भी डांस पर बहुत ही मेहनत की है। बस मुरलीधर जी, भगवान ने चाहा तो ये शो आपका बहुत कामयाब रहेगा। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और हाँ अशोक, दरअसल मैं तुम्हें ये टेलीग्राम देने आया था, मगर जरा ये वर्क प्लीज बी मेक इट। क्या बात है, खैरियत तो है ना? पिताजी बीमार हैं, मुझे कलकत्ते बुलाया है। कब जाओगी? सोचता हूँ कल सवेरे की गाड़ी से ही चला जाऊं। निक्की, मैं कलकत्ते जाने से पहले
तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता था। मेरे साथ घर चलोगी? चलो। अरे आपने तो बहुत सारी तस्वीरें तैयार कर ली हैं। हाँ निक्की, ये तस्वीरें मैंने नुमाइश के लिए तैयार की हैं। हर चित्रकार की इच्छा होती है कि एक दिन वो पूर्ण अपने ही चित्रों की प्रदर्शनी करे। ये सरस्वती का चित्र तो बड़ा ही मनमोहक है। और ये उषा चित्र कितना प्रभावशाली है। लेकिन लेकिन आपको अपने चित्रों में सबसे अच्छा कौन सा लगता है? वही दिखाने तो लाया हूँ। आओ इधर। अरे ये मैं हूँ। हाँ, जैसा कि मैं तुम्हें देखता हूँ। मगर मगर मैंने तो अपने आप को इतना सुंदर कभी नहीं देखा। ये तो बनाने वाले के हाथ की सुंदरता है। सुंदरता बनाने वाले के हाथ में नहीं, हृदय में होती है। लेकिन लेकिन ये गहने, मैंने तो कभी ऐसे गहने नहीं पहने। ये भी क्या बनाने वाले के हृदय का चमत्कार है? वैसे तो सुंदरता गहनों की मोहताज नहीं होती, लेकिन इनका कुछ अर्थ है। वो क्या? मेरी माताजी अब इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनके घर में आने वाली बसंत इन गहनों से सजाई जाए। कुछ कहोगी नहीं निकी? अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं इन्हें मिटाए देता हूं। निक्की, मुझे छेड़छाड़ पसंद नहीं। मैं ये पूछती हूँ कि तुम इस तरह सर लटका क्यों बैठे हो? अरे सर लटकाने की बात ही है, जानती है आज सुब्रमण्यम यहाँ आ धमका था। अच्छा? हाँ, अगर मैं न होता तो उसका सामना कुमारस्वामी से हो जाता और फिर मेरी तो और फिर तुम्हारा भांडा फूट जाता। मैं बड़ी खुश होती। मैं ये पूछती हूँ कि तुम जानकी को सब बता क्यों नहीं देती? इसमें हर्ज क्या है? निक्की मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम सोचते ही रहना। पिताजी सुब्रमण्यम के घर हुआ और वो यहाँ आ पहुंचा। अब इस बात को छुपाना मुश्किल है। मेरी मानो तो आज ही सारी बातें साफ कर दो। आखिर तुमने कोई पाप नहीं किया। तू ठीक कहती है, आज कला मंदिर का शो है, मैं जानकी से वहीं सब कुछ कह दूंगा। आखिर एक न एक दिन तो फैसला करना ही है। हेलो मैडम मरीना, हाउ आर यू? चाचा बुआ जी को नहीं लाए? उसे माला जपने से फुर्सत मिलती तब तो लाता। अच्छा अच्छा बैठो। ओह नमस्कार पिताजी। नमस्कार। नहीं ये कैसे हो सकता है, इतनी कुर्सियां खाली पड़ी है और घर वाले पीछे बैठे। आइए मेरे साथ चलिए। आप सिस्टर को नहीं तशरीफ लाई? अच्छा अच्छा, मेरी तरफ से नमस्ते बोलिएगा उन्हें। हमारे प्रिंसिपल और ये हैं आनंद के पिताजी मिस्टर कुमार स्वामी। ओह आनंद फादर, अजी आपकी तो हमें पूजा करनी चाहिए। नहीं नहीं नो नो यू आर वर्थ वर्शिपिंग। बैठी बैठी तशरीफ रखिए, वी एट इज प्लीज। अरे भाई जानकी वी आर गेटिंग लेट, जरा जल्दी करो ना। जल्दी करो। कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह? नहीं नहीं कुछ ना कुछ तो। अरे भाई बॉय लो ना, जल्दी करो। लीजिए नोश फरमाइए। ओ टू एट ए टाइम, फीलिंग वेरी थर्स्टी। अच्छा माफ कीजिएगा, मैं अभी हाजिर होता हूँ। कमिंग जस्ट नाउ।
जानकी तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। आनंद तुम बड़े अजीब हो, पिताजी को पीछे बिठा दिया। मेरे पिताजी, क्या कह रही हो? हाँ हाँ, मैं उन्हें आगे बिठा के आई हूँ। अच्छा मैं जाती हूँ। जानकी मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। हाँ हाँ कह लेना, मगर शो में 5 मिनट रह गए हैं, मुझे मेकअप करना है। तो शो के बाद मत जाना, अब मैं उस बात को और नहीं टाल सकता। अच्छा बाबा नहीं जाऊँ। साधु राम तुम्हें सीट तो मिल गई ना? आप तो जानते हो कि बैठा। अरे भाई तो बैठो बैठो ना। हाँ, बैठो बैठो, शो शुरू हो ना। एक्सक्यूज मी, मुरलीधर जी आपसे मिली है। आप हैं मिस्टर दौलत राम, हमारे मैनेजर। नमस्ते। अरे साधु राम जी, आप हैं मिस्टर साधु राम, इन्हीं के दुकान का घी आपके घर आया करता है। अच्छा अच्छा, जवाब नहीं आपके घी का, बिल्कुल घर का मालूम होता है। जी घर ही में बनाता हूँ। मिस्टर मुरलीधर इनके लिए कोई अच्छी सी सीट देखिए। मिस्टर सुब्रमण्यम, एक साथ दो सीटें मिलनी तो जरा मुश्किल है। बाहर आज मैं इन्हें एक बहुत अच्छी सीट देता हूँ। तो खन्ना साहब आप आगे जाके बैठिए। नहीं सुब्रमण्यम ये भी ठीक है, तुम आ बैठिए। आइए आइए तशरीफ रखिए। आई विल गिव यू अ वेरी नाइस सीट खन्ना साहब, यू डोंट वरी। आप तशरीफ रखिए, यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरह शो दिखाई देगा। कौन? कुमार स्वामी। नमस्कार नमस्कार। आप आ गए, बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। नखरवाली देखने में देख लो है कैसी भोली भाली। अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, मन की काली। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में, डिडलिए डुडलो डिडलिए डिडलिए डुडलो डिडलिए। बेरहम बेवफा अपना कुछ पता पता बता तो दे, ओ बेरहम बेकली बेकसी कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे, ओ बेरहम। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में, वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में।
आपकी इस हौसला अफजाई के लिए कला मंदिर की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दरअसल आज के शो की कामयाबी का सेहरा हमारे इन नौजवानों के सर है, और ये सुनकर आपको और भी ज्यादा खुशी हासिल होगी कि इन दोनों के पिता, जिन्होंने ऐसी होनहार संतान को जन्म दिया है, इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। इसलिए आपका और उनका तारुफ करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। आइए मिस्टर सुब्रमण्यम, तशरीफ लाइए। यू आर वेलकम। जी हाँ जी हाँ, आप भी तशरीफ लाइए ना, आइए। चलिए। नहीं नहीं, इधर ठीक है। प्लीज प्लीज चलिए, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। यू आर वेलकम। साहबान, आप हैं जानकी के पिता मिस्टर सुब्रमण्यम। और आप हैं आनंद के पिता मिस्टर कुमारा स्वामी। पिताजी। क्या है बेटा, आइए। खन्ना साहब। मिस्टर खन्ना, ये है मेरे होने वाले दामाद, और ये है इनके पिता मिस्टर सुब्रमण्यम। ये क्या मजाक है? ये मेरा बेटा है और ये मेरा नौकर है। क्यों बे नमक हराम, तू इसका बाप है? बोल। जानकी, क्या ये सब सच है? जी हाँ जी, नहीं मैं समझ गया। चलो जानकी, जानकी मेरी बात सुन। क्या बात है? आखिर ये क्या गड़बड़ है? पर्दा गिराओ। अरे जल्दी पर्दा गिराओ। तुम लोग पागल हो गए हो? लाठी चार। अरे पर्दा गिराओ। तुमसे मेल बढ़ते ही तुम्हारे पिताजी के विचारों का पता चला। तुमसे सच सच कहने की हिम्मत नहीं हुई, इस डर से कि कहीं तुम्हें न खो दूं। पर मुझसे कहने में क्या हर्ज था? क्या मुझ पर भी भरोसा नहीं था? शो से पहले मैं तुमसे यही जरूरी बात कहना चाहता था, जो तुम जल्दी में टाल गई। मुझे क्या पता था कि कुदरत इतनी सी देर में हमारे साथ इतना बड़ा मजाक करेगी। लेकिन मैं पूछता हूं, मेरे पंजाबी होने से तुम्हारे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा? ये कैसी बातें करती हो आनंद? इंसान इंसान से प्रेम करता है, मगर दूसरों के लिए बहुत फर्क पड़ गया है। पिताजी तो यहां तक कहते हैं कि तुम्हारे साथ मिलकर मैंने भी उन्हें धोखा दिया है। सचमुच जानकी, मेरी वजह से तुम्हें बड़ी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आज घर और बाहर वाले सभी मुझसे नफरत कर रहे हैं। मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मेरी खातिर जो कुछ तुमने किया है उसका मुझे पूरा एहसास है। सर जानकी, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की परवाह नहीं। जो भी मुसीबत आएगी हम दोनों मिलकर सामना करेंगे।
नान इंद पयने कूड़ा दिले कुड़ना ने ताके आप खुद लड़का देख ली अदशरी पढ़ा लिखा भी है बैंक में क्लर्क भी है और 125 रुपए तनख्वाह भी लेता है 12.5 रुपए बच्चों का इलाज भी मिलता है वो के देखने की भी क्या जरूरत थी जात एक है बिरादरी एक है और कुंडलियां भी ठीक थी भाई विदेश में अपनों से नाता जुड़ जाए इससे बढ़ के सौभाग्य मेरा और क्या होगा आज से लड़की आपकी हुई और लड़का मेरा अदशरी अब तो मुहूर्त ही निकलवाना है वो भी निकाल चुका हूँ पंडित जी ने 15 दिसंबर का मुहूर्त निकाला है पदनन जानते थे दिसंबर ले योला सीकरो हाँ माँ कहते हैं कि लड़कियाँ पराया धन होती है और मैं चाहता हूँ कि वो जिसका धन है उसे जल्द ही सौंप दूँ शरी शरी उमलोडे इष्टो हमें तो 15 दिसंबर ही मंजूर है रुम्ब संतोषम अच्छा नमस्कार नमस्कार चिरंजीव पिताजी आप मेरी शादी की बात कर रहे थे और किसकी लड़का अच्छा है पढ़ा लिखा है लेकिन मुझसे तो पूछा होता किट्टे पहले तूने क्या कसर छोड़ी है अच्छा हुआ जो कि बात फैली नहीं तो सारी उम्र घर में कुंवारी बैठी रहती लेकिन पिताजी ये मेरे जीवन का सवाल है लड़की का जीवन ही इतना है कि शादी से पहले माँ बाप की आज्ञा का पालन करना और शादी के बाद अपने पति की सेवा करना केड़ आज के बाद तुमने घर से बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा जिदा पर पिताजी ये तो सोचिए मैं उस आदमी को जानती नहीं कौन है कैसा है जैसा है उस बदमाश और लपंगे से अच्छा है कहां वो कहां हम वो पंजाबी हम मद्रासी हम दोनों में मेल ही क्या है वो मद्रासी हम पंजाबी हम दोनों में मेल ही क्या है ओहो सरदारी लाल जी वो तो मैं भी मानता हूँ पर वो बात तो खत्म हो चुकी लड़का गलती कर रहा था मैंने अच्छी तरह काम खेच दिए अब देखिए ना लारा चूनीलाल जी कितने बड़े आदमी कितना बड़ा खानदान है उनके यहाँ आपकी लड़की की शादी की बातचीत चल रही है हम सबको बड़ी खुशी है कल को उनके कान तक ये बात पहुँचे तो कितना बुरा असर पड़ सकता है पढ़ना भी चाहिए कोई भी शरीफ आदमी इस बात को गवारा नहीं करेगा मुझे खुद अपनी इज्जत का ख्याल है दौलत राम जी ये सिर्फ आपकी इज्जत का सवाल नहीं सारी बिरादरी की इज्जत का सवाल है शाह जी मैं कहाँ इनकार करता हूँ इस बात से मैं बिरादरी के लिए लड़का छोड़ सकता हूँ लड़के के लिए बिरादरी नहीं छोड़ सकता लाला जी हमें आपसे यही उम्मीद आखिर बरादरी ही तो सब कुछ है अकेला आदमी किस काम का अब बरादरी वाले ही तो दुख सुख में काम आते हैं अब क्यों कन्हैया लाल जी बिल्कुल हाँ कपूर साहब अब तो आपको कोई शिकायत नहीं जी शिकायत कैसी जो बात हमें नागवार गुजरी फर्ज समझ कर कहने चले आए अच्छा दौलत राम जी तकलीफ माफ करना तकलीफ की क्या बात है सरदारी लाल जी मुझे इस चीज की खुशी हुई कि आप मेरे लिए इतना महसूस करते हैं अपनों को हम गलती ना होगी तो क्या गैरों को अजी कैसी बातें कर रहे हैं आप ये तो हमारा फर्ज था अच्छा नमस्ते 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 नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। औलाद न हो एक हो के मर जाए सौ दुख हो और नालायक हो तो दुखों का ठिकाना नहीं मैंने कौन सा खून कर दिया है पिताजी खून कर देता तो अच्छा होता फांसी लग जाता हम रोका सब्र तो कर लेते आज तेरी बदौलत इनका मुंह नहीं देख रहा था उनके पैर देखने पड़े पता नहीं आप बिरादरी को क्या समझते हैं तू बिरादरी का मतलब क्या जाने बरादरी ना हो तो घर से मुर्दा ना उठे दुनिया पागल है जो बरादरी की इतनी परवाह करती है बेवकूफ नालायक कहीं का माँ ये पिताजी भी खामखा ठीक ही तो कहते हैं तू इन बातों को नहीं समझ सकते अच्छा रिश्ता जिंदगी में बार बार नहीं मिलता जानता है तेरे जरा से करतूत से निकी जन्म भर घर में कवारी बैठी रह सकती है अब आगे अगर हमारा ख्याल नहीं तो कम से कम अपनी बहन का तो ख्याल कर
घबरा मत निक्की, तेरा भाई कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे तेरी जिंदगी पर कोई असर पड़े। आ गई आनंद, मैं खुद आ रही थी तुम्हें मिलने। इधर आओ। क्या हुआ? कुछ ऐसे ही बात आन पड़ी है। कैसी बात? पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। तुम्हारी शादी? हाँ आनंद, अपनी बरादरी में। हमें जल्दी कोई रास्ता ढूंढना होगा। क्यों, तुम खामोश क्यों हो गए? कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए मेरे पिताजी ने भी निक्की की शादी एक ऊंचे पंजाबी घराने में ठहरा दी है। हमारे किसी भी कदम से शादी टूट सकती है। ओ जानकी, निक्की का ब्याह होना चाहिए। मैं मरूं या जीऊं तुम्हारी बला से। ऐसा मत सोचो जानकी, मैं चाहता हूं कि तुम किसी तरह अपने पिताजी को मना लो। और यह बात तो सिर्फ चंद महीनों की है। चंद महीने गुजरने में देरी कितनी लगती है, यूं चुटकियों में गुजर जाते हैं। नहीं गुजरते आनंद, बरसों में भी नहीं गुजरते। और गुजरेंगे कब? शादी के बाद? पिताजी ने तारीफ भी मुकरर कर दी है। नहीं नहीं, ये जुल्म है। इस जुल्म के खिलाफ तुम्हें आवाज उठानी चाहिए। और तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। तुम चाहते हो मैं तो अपने पिताजी के खिलाफ आवाज उठाऊं और तुम अपने घर में फरमाबरदार बेटे बने रहो, यही ना? ये नहीं जानकी, तुम नहीं जानती मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। पहले नहीं जानती थी, लेकिन अब मालूम हो गया है। मुझे समझने की कोशिश करो जानकी, मैं बुजदिल नहीं, मजबूर हूँ। मेरे लिए दोनों में कोई फर्क नहीं। दुख है तो इस बात को, मैं ही क्यों पागल हो गई थी? तुम्हें फर्क न सही, तुम्हें अपने जीवन से खेलने दिया। मैं तुम्हारे जीवन से कभी नहीं खेला जानकी। अब भी खेल रहे जानकी। छोड़ो आनंद, मुझे जाने दो। हो सके तो मुझे भूलने की कोशिश करना। जानकी, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। मुझसे तो भगवान ही नाराज है चाचा। ये क्या, तू रो रही है? नहीं चाचा, आंख में कुछ गिर गया है। दोनों आंखों में कुछ गिर गया है, मुझे ही बनाती है। चल इधर आ। चल बेटी, मैंने तो तुझमें और अपनी भांजी में कभी कोई फर्क नहीं समझा, पर अफसोस तो इस बात का है कि तूने मुझे गैर समझा। ये क्या कह रहे हो चाचा? ठीक कह रहा हूँ, अगर तू मुझे अपना समझती तो अपना दुखड़ा मेरे पास आकर ना रोती। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? ठीक सुन रहे हो चाचा, मेरी शादी हो रही है। और वो आनंद क्या कहता है? वो मजबूर है बिरादरी की वजह से। बिरादरी की वजह से? मेरे लिए तो अब एक ही रास्ता है चाचा, जमुना मैया की गोद में पहुंचकर मेरी मजबूरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कैसी बातें करती है, खबरदार जो ऐसी बात मुझसे निकाले, पगली कहीं की। खाना खा लो बीबी जी। बीबी जी खाना खा लो। पिताजी ने खा लिया। लेके तो गया था, उन्होंने मना कर दिया। पिताजी, मैंने अपने हाथ से बनाया है। नंगे परिंदे जी, मैं तो फिर उस बदमाश से मिलने गई थी।
पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई? पिताजी खबरदार, तू मुझे पिताजी कहा तो? ऐसा मैंने क्या किया है पिताजी? अब करने को क्या बचा है बेचराम? इससे तो अच्छा हो तो कहीं चमला बेटा, मैं समझ लूंगा कि मेरी कोई बेटी नहीं थी। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने। पूज्य पिताजी, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाए हैं, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जब इंसान के सब सहारे टूट जाते हैं तो भगवान का सहारा रह जाता है, मेरे लिए भी अब वही सहारा बाकी है। आपकी आज्ञा अनुसार जमुना की गोद में शरण लेने जा रही हूँ। आशा है कि मेरे बाद आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। आपकी अभागिन बेटी। पता था तेरे मन में क्या है बेटा। जिंदगी से भागना बुजदिली है, लेकिन जिसके सब सहारे टूट जाए वो क्या करे? पगली, जब तक तेरा चाचा जिंदा है तू बेसहारा कैसे हो सकती है? साधु राम, मैं तो सुब्रमण्यम को एक बहुत बड़ा नेशनल माइंडेड आदमी समझता था। मुरलीधर, सुब्रमण्यम को तो मैं वो सबक दूंगा कि दुनिया देखेगी। चल मेरे घर चलो बेटा। क्या? चलो चल। जैसी भगवान की मर्जी। नहीं नहीं बेटी बेटी, ये तूने क्या किया? सुब्रमण्यम, मुरलीधर जी, मैं हत्यारा हूँ। मैंने खुद अपनी बेटी की हत्या की, ना जाने मेरी अकल पर क्या पत्थर पड़े। सब्र करो सुब्रमण्यम, तुम्हें क्या मालूम था कि जरा सी बात का इतना बुरा नतीजा निकलेगा? भगवान के आगे किसी का बस नहीं चलता सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम, जिसकी अमानत थी उसके पास चलिए, सब जो का त्यों है, सिर्फ जान की ही नहीं है। जान की? उठो सुब्रमण्यम, उठो सुब्रमण्यम। मुनि को कौन टाल सकता है सुब्रमण्यम? बेटा सुब्रमण्यम, क्या सोचा था, क्या हो गया? बेटा मोहिनी, जरा कलम दवात ले आ। लाई चाचा। बेटी, कितनी बार कहा कि अब तू मेरी भांजी है, मामा कहकर मामा, चाचा क्यों कहती है? हाँ हाँ मामा, गलती हो गई।
ये गलती नहीं होनी चाहिए। सुब्रमण्यम की एक गलती ने उसका नक्शा बदल दिया। अब क्या हाल है पिताजी का? आज तुम उसे मिले थे? बेटी, जब से ये नाटक शुरू किया है मैं उसी के साथ रहा हूँ। धीरे धीरे हालत पर काबू पा रहा है और आज तो वो दफ्तर भी गया था। अच्छा? हाँ, वैसे तेरी तसल्ली के लिए मैंने उसे यहाँ बुलाया है, शायद आई जाए। पर मामा, पिताजी को मेरे मरने की खबर से बहुत सदमा पहुंचा होगा। वो मुझे कितना प्यार करती थी, ये ध्यान करते ही कलेजा मुंह को आ जाता है। पर सुब्रमण्यम को सदमा पहुंचाने के लिए तो ये सब कुछ किया है। मरीज को अपनी खतरनाक बीमारी का पता नहीं होता, ये तो डॉक्टर को ही दिल मजबूत करके ऑपरेशन करना पड़ता है। लाला जी, सुब्रमण्यम साहब आए हैं। ओ, उन्हें यहीं भेज दो। देख मोहिनी, जोश में आकर कोई ऐसी बात मत कर बैठियो जो बना बनाया खेल बिगड़ जाए। नहीं नहीं चाचा। चाचा? मामा, तू फिक्र मत करो। फिक्र कैसे ना करूं, जा अपने पिताजी के लिए खाना लगा। आओ आओ सुब्रमण्यम, आओ बैठ बैठ। दफ्तर से ही आ रहे हो सीधे? कॉफी मंगाऊं या खाना? इस वक्त कुछ खाने को जी नहीं चाहता। नहीं नहीं नहीं, कुछ खाना तो होगा। मोहिनी, अपने मद्रासी मामा के लिए खाना ले आ। साधु राम, मुझे मद्रासी मत कहो, ये शब्द मुझे बिच्छू की तरह काटता है। इसी अहंकार ने मेरी प्यारी बेटी को हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया। ले आ बेटी, ले आ खाना, ले आ, रखते हैं अमीर। मेरी भांजी अभी अभी पंजाब से आई है, मोहिनी। बैठ जा बैठ जा। जीती रहो बेटी। उस रात जानकी भी मेरे लिए इतने ही प्रेम से खाना परोस के लाई थी। मुझे भागे ने थाली उठाकर फेंक दी। मुझे क्या हो गया था साधुराम? धीरज धरो सुब्रमण्यम, धीरज धरो। ये तुम्हारी ही बेटी है, इसे अपनी बेटी समझो। खाओ खाना, खाओ, ठंडा हो रहा है, खाओ खाओ। सुब्रमण्यम, शाम को वक्त काटने के लिए यहीं आ जाया करो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। ठीक है साधुराम, आ जाया करो। खाना खाओ ना। बच्चा है दौलत राम जी का बेटा, मेरी भांजी मोहिनी। नमस्ते। बेटा, इसकी बात का बुरा ना मानना, अभी अभी गांव से आई है। हाँ, आज तुम इधर कैसे रास्ता भूल गए? कुछ नहीं, मैं जरा कॉलेज जा रहा था, सोचा आपको भी नमस्ते करता। नमस्ते नमस्ते, कभी कभी बहुत दूर की सोचते हो। आओ अंदर आओ।
जी नहीं, अभी तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, फिर कभी आऊंगा। अच्छा अच्छा, अरे तू कहाँ चली गई थी? तेरी माँ कब से चिंता कर रही है कहीं परदेश में रास्ता ना भूल गई हो। चल अंदर चल, चल। अरे भाई कोई जवाब तो दो। मुरलीधर जी, अगर इस प्रोग्राम में आप मुझे ना ही शामिल करें तो अच्छा है। किसी ने पहचान लिया तो सब किया कराया चौपट हो जाएगा। ओहो, आप लोगों को तो खामखा की कुछ जिद सी हो गई है। तुम मद्रासी से पंजाबी हो गई, अनंत तक ना पहचान सका, तो आखिर क्या हम तुम्हें स्टेज पर इस तरह से नहीं पेश कर सकते ताकि कोई ना पहचान सके? मुरलीधर साहब, अपने आप को ज्यादा अकलमंद समझना, दूसरों को ज्यादा बेवकूफ समझना बुरे वक्त की निशानी होती है। देखो साधु राम, तुम इस तरह बात कर रहे हो जैसे ये शो देकर मुझे अपने लिए कोई जायदाद खड़ी करनी है। जब से तुमने जानकी के मरने का चक्कर चलाया है ना, मेरे आधे विद्यार्थी भाग गए। फीस आएगी नहीं, प्रोग्राम होंगे नहीं, तो आखिर ये इंस्टीट्यूशन चलेगा कैसे? और फिर ये कोई मेरे बाप की मिल्कियत तो है नहीं। मेरी तरफ से तुम उस पे ताले लगा दो, चाहे आग लगा दो, आई डोंट वरी। मुरलीधर मुरलीधर, ये तो मैं भी नहीं चाहता कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन पर किसी किस्म की आंच आए। मैं तो महज इस बच्ची के ख्याल से कह रहा था। साधु राम, तुम्हें ये जितनी बच्ची अजीज है ना, बाई गॉड उतनी ही मुझे अजीज है। तो फिर जो तुम मुनासिब समझो वो करो। क्यों जानकी, क्या ख्याल है? जब और कोई रास्ता नहीं तो फिर ठीक है। ये बात हुई, शाबाश। मुरलीधर को भी कुछ जिद सी हो जाती है, जिस बात पे अड़ जाता है अड़ ही जाता है। बेटी तू ये डांस का झमेला तो कर रही है, पर मुझे डर ही लग रहा है। दुनिया भर की आंखों में धूल झोंक कर तुझे पंजाबी बनाया है, कहीं शादी से पहले ही फिर मद्रासी ना बन जाइए। लेकिन मैं तो स्टेज पर इस तरह आऊंगी कि तुम भी नहीं पहचान सकोगे। चाचा। चाचा नहीं, मामा। चाचा, मामा।
लगाने की जरूरत नहीं बेटी। क्यों मामा? मामा नहीं, चाचा। जानकी, 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 आनंद, जानकी तुम जिंदा हो? हाँ आनंद, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। क्या मुझसे नाराज हो गए? जानकी, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे इतनी भारी सजा क्यों दी? सजा तो मैं अपने आप को ही देने गई थी। अगर मेरी मौत और जिंदगी के बीच में साधुराम ना आती तो तुमसे कभी मुलाकात ना होती। ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो जानकी, तब मैं कायर था, लेकिन अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती। आज मैं हर तूफान का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। मोहनी नहीं साधुराम जी, जानकी कहिए, जानकी। तो तुम्हें पता लग गया, चलो अच्छा ही हुआ।
मैं भी यही चाहता था, पर देखो ये राग अपने तक ही रखना। कल मैं तुम दोनों की शादी की बात करने दौलत राम के पास जाऊंगा और उसी की तलवार से उसका घमंड तोड़ूंगा। हाँ साधु राम जी, और क्या कहूं दौलत राम जी, जब से बहनोई साहब का स्वर्गवास हुआ है ये जिम्मेदारी भी अपने ही ऊपर आ पड़ी है। वैसे कपूरों की बेटी है, ढाई घर की दोहती है, ढाई घर की पोती है, अगर वो इस घर की बहू बन सकी तो मुझे बहुत खुशी होगी। साधु राम जी, ऐसे खानदान की लड़कियां मिलती ही कहां, बाकी रुपया पैसा ये तो हाथ का मैल है। आनंद की माँ तुम क्यों चुप हो, तुम भी कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलू, जो आपकी पसंद हो मेरी पसंद। ऐसा कीजिए किसी दिन आप दोनों ही आकर लड़की को देख लीजिए, लड़की अपनी माँ के साथ यही आई हुई है। छोड़ो जी, भले घर की बेटी किसी ने देखा है, मेरे घर में भी तो जवान लड़की है, बाकी आनंद की माँ किस दिन आ जाएंगी। पर उसमें हर्ज भी क्या है, आप भी आ जाइएगा। अच्छा अच्छा, जैसी आपकी मर्जी मैं भी आ जाऊंगा। लीजिए लस्सी तो पीजिए। इसके लिए तो माफी कीजिए, बेटी के घर की लस्सी, मैं जरा इसका ज्यादा विचार करता हूं। जी पीजिए पीजिए, पैसे दे दीजिएगा बस, पीजिए पीजिए। जी पी तो लेता हूँ, पर बात आप ही तक रहनी चाहिए। आप ही के न कीजिए, बात यही तक रख जाएंगे। पर इसमें तेरा जाता क्या है, थोड़ी देर के लिए इसकी माँ बनना है, तेरा कुछ खर्च नहीं होगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। देख साधु, तू मुझे इस पाप पुण्य में मत खसीट, तेरे इस छल कपट में पढ़कर मैं अपना लोग पर लोग नहीं बिगाड़ूंगी। वाह बहन वाह, अरे किसी दुखी को सुखी बनाने से संसार में और कौन सा बड़ा पुण्य है, तेरा सारा धर्म कर्म एक तरफ और इस मासूम की सहायता एक तरफ, मत खो ये पुण्य का मौका, कर जाएंगे। ये ठीक है, पर है तो ये सब झूठ ही। झूठ तो ये भी है कि तू राम भजनी है और मैं साधु राम हूँ, सब मट्टी है, मट्टी में मिल जाएंगे। पर जिस झूठ के बोलने से किसी का कल्याण हो उससे बड़ा सच और क्या हो सकता है। बेजवा तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, फिर से मुझे पंजाब वापस, मैं यहाँ नहीं ठहरती। बुआ जी आप साधु राम जी की बात का ख्याल मत कीजिए। मैं तो जहां भी जाती हूँ दुखी देती हूँ। नहीं बेटी ऐसी बात नहीं, पर इसकी तो आदत ही सच झूठ बोलने की हो गई है, वैसे तेरे में और मेरी बेटी में फर्क ही क्या है। फिर यही सोच ले, अपनी बेटी के लिए झूठ बोल रही है, एक दिन नरक में रह लीजो। देख अभी तो जैसे तू कहता है मैं कर दूंगी, पर वचन दे किस पाप को धोने के लिए तू मुझे हरिद्वार ले चलेगा। अरे हरिद्वार क्या, मैं अपनी बहन को चारों धाम ले चलूंगा, मेरी अच्छी बहन। राम राम राम, कमबख्त ने मेरी पूजा की धोती छू दी, फिर से मुझे नहाना पड़ेगा। भाई दौलत राम जी आ गए। ओ अरे तुम लोग ऊपर जा, तैयार कर लो, मिठाई मिठाई रखो। अरे छज्जू आइए, दौलत राम जी आइए। नमस्ते जी। नमस्ते, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमें बहुत देर तो नहीं हो गई। बिल्कुल नहीं जी बिल्कुल नहीं, आइए आइए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मेरी बहन राम भजनी, मोहिनी की माँ, आनंद के पिताजी, आनंद की माता जी। आप बैठिए ना, बैठिए कहीं बैठिए। अरे छज्जू लाया माता जी। इधर ला इधर ला, लीजिए। तकल्लुक की क्या जरूरत, अजीब पीजिए, आप लड़के वाले हैं, बरादरी आपका कुछ नहीं बिगाड़। ओ समझ गया। बहन जा अपनी बेटी को लिया। दौलत राम जी ये मिठाई जरूर खाइए, मेरे अपने घी की है। अजी जब से दिल्ली में आया हूँ आप ही का घी तो खा रहा हूँ। वैसे तो आधी दिल्ली मेरा घी खाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों, वाह वाह क्या कहने हैं, और जाते ही सास ससुर के पैर छूना और कहना पैरी पैनी आन जी, ये सुनते ही माँ तो लट्टू हो जाएगी। बोलो जरा पैरी पैनी आन जी। अरे मुझे नहीं, आओ मम्मी चलो। हाँ पैरी पैनी आन जी। जी आओ आओ बेटी, शर्मा क्यों रही, आओ मेरी भांजी मोहिनी। पैरी पेनिया जी। बड़ी उम्र हो। पैरी पेनिया माँ जी। जुग जुग जियो, सदा सुखी रहो।
अरे शर्माती क्यों हो? लड़की क्या है, चांद का टुकड़ा है, अंधेरे घर में खड़ा कर दो तो उजाला हो जाए। अरे ऐसी शरीफ और शर्मिनी लड़कियां पंजाब ही पैदा कर सकता है। क्या बात है, पंजाब की सब सूबों का राजा। मोहिनी की माँ, आज से ये मेरी बहू हो गई। क्या देख रही है राम भजनी, ले तेरी मुराद पूरी हो गई। दीदी सगन, लो बहन बधाई हो। आपको भी बधाई हो। बधाइयां महाराज, आपको भी बधाई हो, आपको भी बधाई हो। ले मोहिनी की माँ, तेरी बेटी राज करेगी, राज। वो तो ठीक है, पर तू मुझे हरिद्वार स्नान तो करा देगा ना? ब्याह तो हो जाने दे, स्नान क्या, मैं तुझे हरिद्वार में धक्का ही दे आऊंगा। अजी बात ये है, इस बेचारी ने मन्नत मानी थी बेटी का ब्याह करके गंगा नहाऊंगी। बहन जी, हरिद्वार मुझे भी अपने साथ ले चलना। अच्छा तो साधुराम जी, अब हमें इजाजत दीजिए। अजी ऐसी जल्दी क्या, बैठिए ना। नहीं साधुराम जी, दफ्तर का बहुत जरूरी काम करना है। आप चलिए, मैं तो बहू के पास बैठी, जी चाहता है अपने हाथ से रहूं। अच्छा अच्छा, तुम बाद में आ जाना। पेरी पेरी। जीती रहो जीती रहो। आप बैठी ना, बैठी। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आप कैसी हो निकी? कब आए कलकत्ते से? आज सवेरे की गाड़ी से ही आ रहा हूँ। बाकी सब लोग कहाँ गए? बाहर गए हैं। आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? अब अच्छी है, बीच में तबीयत काफी खराब रही, इसी वजह से इतने दिन ठहरना पड़ा, वरना मुझे तो यहाँ आकर नुमाइश की सारी तैयारी करनी थी। कब होगी नुमाइश? इसी महीने की 24 तारीख तय हुई, वक्त बहुत थोड़ा है, इस काम में तुम्हें भी मेरा हाथ बटाना होगा। मैं आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करूंगी। मेरी सफलता के लिए नहीं, हम दोनों की सफलता के लिए। भगवान ने चाहा तो अगले साल हम दोनों के चित्रों की नुमाइश इकट्ठी होगी। भगवान कब किस चीज को चाहता है इसका पता तो शायद उसे खुद भी नहीं होता। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं निकी। आज तुम कुछ उदास नजर आती हो, क्या कोई खास बात है? अशोक बाबू, जीवन में खुशी तो दो चार दिन के मेहमान की तरह है, वरना तो सब उदासी ही उदासी है। पिताजी मेरे लिए दूसरा घर देख रही हैं। दूसरा घर? लेकिन ऐसा क्यों? वो चाहते हैं कि मेरी शादी किसी पंजाबी घराने में हो। ओ, तो मेरा बंगाली होना उन्हें गवारा नहीं। वो पंजाबियों के सिवा सबको गैर समझते हैं, किसी को अच्छा नहीं समझते। लेकिन तुमने मेरे बारे में उनसे बात की थी, फिर तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अशोक बाबू, एक बार मौत को अपनी जगह से हिलाया जा सकता है, लेकिन पिताजी को अपनी जगह से नहीं हिलाया जा सकता। वो इन विचारों में बहुत कठोर है। लेकिन मैं नहीं समझता इस बात के लिए वो तुम्हारी खुशी को नष्ट करें। अगर तुम्हें कोई संकोच है तो मैं उनसे बात करूंगा। अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो वो कभी निष्फल नहीं जाएगा। अशोक, मैं तुम्हें शरीफ आदमी समझता था। खैर, जिस तरह आए थे उससे बाहर चले जाओ। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। चुप रहो, गलत का मच्छा। तुमसे तो बहु बेटियों को बहकाते शर्म नहीं आती। लेकिन आप मेरी बात तो सुनो। जाता है ये रहे। फिर कभी इस तरफ मुंह किया तो तुम्हारी लाश ही नजर आएगी। बाजी, बदमाश। कम वक्त तेरे भाई ने क्या कमजोर उछाली थी जो तुझे ये गुल खिलाना बाकी था। बेशरम पे है। क्या कर रही हो? क्या हुआ? हुआ तुम्हारा सर, तुम्हें कुछ पता भी है घर में क्या होता है? तुम तो आंखों में पट्टी बांध कर रहती हो। आखिर कुछ बताइए तो सही, हुआ क्या? पूछो इस बेशरम से, मुझे तो कहते हो शर्म। क्या हुआ निके? अरे मुंह से तो कुछ बोल। मां,
क्या हुआ? कुछ बता तो सही। मैं तो यही सोच रहा था लाला जी कि लड़का विलायत पढ़ रहा था तो शादी करते, मगर लड़के पर आपका भी उतना ही हक है जितना मेरा। आप चाहते हैं तो शादी के बाद विलायत भेज देंगे, ये और भी अच्छा है। आप तो जानते ही हैं, जवान बेटी घर में हो तो रातों को नींद नहीं आती, औरतें तो इन बातों का और भी ज्यादा ख्याल करती। हाँ भाई, बेटी का मामला ही ऐसा होता है। पर मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लड़के वाले का क्या है, जिस दिन कहोगे बारात लेके आ धमकूंगा। सारा इंतजाम तो आपको करना है लाला जी। जी, आपको कोई खास बात करनी है? जी, मुझे क्या खास बात करनी है, आप चाहें तो लड़की को 3 कपड़ों में ब्याह सकते हैं। जोश में आकर पिताजी निक्की के ब्याह की बात करने तो चले गए, मगर ये भी सोचा कि इसका नतीजा क्या होगा। चुप रे मुर्दे, तेरा ही साया इस पर पड़ गया है, ये तो इसकी क्या मजाल जो इतनी हिम्मत करती। चलो मैं तो बुरा ही सही, मगर कम से कम अपनी बेटी से तो पूछ लिया होता कि इसके दिल में क्या है। क्यों पूछूं, मैं इसकी माँ हूँ, मैं जानती हूँ उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। अगर तुम्हें अच्छाई बुराई का ख्याल होता तो ये इस तरह घुट घुट के न मर रही होती। निक्की, बोलती क्यों नहीं, माँ बाप फांसी नहीं लगा देंगे। इस ब्याह से तो फांसी कहीं अच्छी है। क्या कहा चुड़ैल, बाप सुनेगा तो छत पर से उठाकर फेंक देगा। छत पर से फेंको या पहाड़ पर से, मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। क्या कहा, फिर तू क्या, मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करेंगे, नहीं कोई करेंगे, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। दो एक घंटे में होश आ जाएगा, इन्हें परेशानियों से दूर रखना चाहिए, किसी किस्म का सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। डॉक्टर साहब, वैसे कोई खतरा तो नहीं? दिल के मरीज का कोई भरोसा नहीं होता, होशियारी रखिए, दूसरा दौरा काफी खतरनाक हो सकता है। इसलिए मांगते हैं कि बुढ़ापे में उन्हें सुख मिले, हमारे औलाद इसलिए पैदा हुई है कि मां बाप की जान ले। लेकिन सब कुछ जानते बूझते तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था निक्की, अगर तुम्हें यहां कोई देख ले तो कितना बुरा हो। इससे बुरा क्या होगा जो अब हो रहा है। अशोक बाबू, अगर जिंदगी यही जिंदगी है तो फिर मौत क्या बुरी है। धीरज धरो निक्की, तुम जो कर रही हो ठीक ही कर रही हो, मां बाप की खुशी का ख्याल रखना भी तो एक फर्ज है। तुम्हारा यहां ज्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं।
ये क्या निकी? जाने से पहले आशीर्वाद भी ना दोगे? आशीर्वाद? मेरा तो रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है निकी। जब तक गंगा की धारा बहे तुम्हारा सुहाग बना रहे, आकाश के देवता हमेशा तुम पर सुख और चैन के फूल बरसाते रहे, तुम्हारी राहों के सारे कांटे और तुम्हारी आंखों के तमाम आंसू मेरे हिस्से में आ जाए। तेरे सपनों के सजनों आए तेरे अंगनों, कर ले सोला सिंगार, हो जा जाने को अब तैयार हो, लेके डोली खड़े हैं कहां। तेरे सपनों Thank you.
थोड़ा माफ कीजिएगा। सर रायलाल जी, ये लिया दिया क्या है जरा पता तो कर लेना चाहिए। हाँ हाँ आइए, इसमें तकल्लुफ का आएगा। चलिए चलिए। बहन जी, ये थाली में कितना रुपया है? 1001। सिर्फ 1000? सर रायलाल जी, ये दौलतराम तो सचमुच 3 कपड़ों में भुगताना चाहता। जी क्या कहा जा सकता है, आपने पहले खुल के बात नहीं की। अजी ऐसी बातें वो कहने की होती है। दौलतराम जी कहाँ, जरा आइए तो मेरे साथ। चलिए, वर और कन्या को बुलाइए लाला जी। अच्छा पंडित जी, आनंद तुम जाओ अंदर खबर कर। बैठता है बैठता है। दौलतराम जी आप जरा 1 मिनट मेरे साथ आइए। अच्छा क्या बात, जरा अंदर आइए। दौलतराम जी ये सब क्या है? जी मैं कुछ समझा नहीं। अजी इसमें समझने की क्या बात है, क्या यही कुछ आप अपनी बेटी को दे रहे हैं? आपने कम से कम हमारे खानदान का तो लिहाज किया होता। सुनील लाल जी, मैंने जो कुछ दिया अपनी हैसियत से ज्यादा दिया है। दौलतराम जी अगर आपकी यही हैसियत थी तो फिर आपने कोई बराबर का रिश्ता ढूंढा होता। मैं किस मुंह से लोगों को यह दिखाऊंगा? अगर ऐसी बात थी तो आपने उसी दिन साफ साफ क्यों नहीं कह दिया मुझे? मैंने तो आपसे पूछा भी था। मैंने तो कह दिया था मेरा लड़का विलायत जा रहा है, और साफ साफ क्या कहता, ब्याह शादी कोई व्यापार की बात तो नहीं। आपने ये 1000 ठीकरे रख दिए हैं। अजी 25 नहीं 20 नहीं, कम से कम 15000 की रकम तो रखी होती। 15000? इससे कम और क्या हो सकता है? और फिर जो कुछ आप दे रहे हैं अपनी बेटी को ही दे रहे हैं। वो तो आप ठीक ही फरमा रहे हैं चुनीलाल जी, मगर इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त 10 कैसे हो सकता है? करना चाहो तो सब कुछ हो सकता है दौलतराम, वरना बिगड़ा ही क्या है? अभी तो बेटी बाप के घर है। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी तो जिंदगी और मौत का सवाल है। ये इंसान है या हैवान? मेरे तो समझ में नहीं आता कि पिताजी इसके सामने गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं। अब क्या होगा, 15000 को मामूली रकम नहीं है बेटा, कहां से होगा इतना बड़ा इंतजाम? इंतजाम? मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी के यहाँ किसी कीमत पर भी रिश्ता नहीं करना चाहिए। अभी से ये बर्ताव है तो शादी के बाद क्या होगा? तू चुप रह बदतमीज, तुझे क्या मालूम? जो पंडाल में मेहमानों की देखभाल कर, जानता है अगर बारात लौट गई तो हम कहीं के न रहेंगे। बारात लौट गई तो मैं कहीं का न रहूंगा? आप मेरे भाई हैं, मेरे बाजू हैं, आप सब मिल मिलाकर कुछ करें तो मेरी इज्जत बच सकती है। मेरी इज्जत आपकी इज्जत है। कन्हैया लाल जी, आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आप चाहे तो मुझे बचा सकते हैं। दौलत राम जी, बाहर से सभी बड़े नजर आते हैं, अब आपको अंदर की बातें क्या बताएं? कुछ दिन पहले बताते तो शायद कुछ हो भी सकता, अब फौरन के फौरन क्या हो सकता है लाला जी? कपूर साहब, दौलत राम, घर बुलाकर जलील क्यों करते हो? अगर कुछ कर सकते तो तुम्हारी बेटी और हमारी बेटी में फर्क ही क्या था? देखो दौलत राम, ये सब कर रहे हैं तकल्लुफ, पर मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इनमें से हर आदमी की हैसियत इतनी है कि वो 15000 रुपया तुम्हें दे सकता है, लेकिन कोई दे तो किस चीज पर? तुम्हारे पास कोई जमीन कोई जायदाद? सरदारी लाल जी, मैं जिंदगी भर नौकरी करके यह कर्जा चुका दूंगा। भैया 600 रुपया तो तुम्हारी तनख्वाह है, और इतना बड़ा कुनबा, 15000 तो तुम 15 जन्म में भी नहीं चुका सकोगे। बेहतर है कि चुन्नी लाल को ही जाकर समझाओ, आखिर वो भी इंसान है। नहीं जी नहीं।
क्यों दौलत राम जी, क्या हुक्म है? लाल जी, इस वक्त मेरी लाज रख लीजिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा, आपकी कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। ब्याह पीछे पत्तल भारी हो जाती है लाला जी, ये तो 15,000 की रकम है, जो शादी से पहले नहीं दे सका वो शादी के बाद क्या देगा। चलो भाई, बारात वापस ले चलो। चुल्ला जी, चुल्ला जी, मेरी बात तो सुनिए, चुल्ला जी, मेरी बात सुनिए, चुल्ला जी, मेरे आप क्यों नहीं बच्चे रहे, मेरे बच्चे के हाथों पर मेहंदी लगती, मेरे लिए नहीं तो मेरी बच्ची पर तो खाई, मैं जिंदगी भर आपका गुलाम होगा। दौलत राम, ये क्या कर रहे हो? ये बेकार की दलीलें छोड़ो, हरे को अपनी अपनी इज्जत प्यारी। चल बेटा, चलो भाइयों, चलो ठहरिए। कमीने, बेशरम, उम्मीद है इनसे आपका काम चल जाएगा। माफ कीजिएगा, आप कौन है? बस इतना समझ लीजिए, इस घर की इज्जत मेरी इज्जत है, आप बिना संकोच ने स्वीकार कीजिए। क्यों दौलत राम जी, क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं, अपना वो जो वक्त पर काम आए, और फिर हम भी यहां शादी करने आए थे, कोई तमाशा दिखाने तो आए नहीं, बाकी लेन देन तो बाप बेटे में भी चलता है। हाँ। चल बेटा मंडप में, आओ भाई आओ, आओ चलो। वो जो वक्त पर काम है, अपना वो जो वक्त पर काम है, अपना वो जो वक्त पर काम है। बंद कर ये बकवास। क्या मतलब? मतलब दौलत राम, दौलत राम तुम होश में हो क्या? पहले नहीं था, अब होश में हूं, मैं एक एक किस दांत का पहचान गया। जबान को लगाम दो दौलत राम, ये तुम सिर्फ मेरी ही नहीं सारी बिरादरी की बेइज्जती कर रहे हो। बिरादरी? किसकी बिरादरी? तुम बिरादरी का मतलब समझते हो? बिरादरी का मतलब है भाईचारा, दुख सुख में एक दूसरे को सहारा देना, आड़े वक्त में एक दूसरे के काम आना, न कि एक मजबूर मजलूम की इज्जत से खेलना, उसकी मजबूरी का तमाशा देखना। मैं ऐसी बिरादरी को धिक्कारता हूं, लानत है ऐसी बिरादरी पर। दौलत राम, बहुत हो गया, बिरादरी से बैर करके जीना मुश्किल हो जाएगा। चौधरी,
अब मैं तुम मुट्ठी भर भेड़ियों की बिरादरी से नहीं डरता। आज मेरी बिरादरी बहुत बड़ी है। आज मेरी बिरादरी है बंगाली अशोक बनर्जी, जिसने मेरे घर की इज्जत को अपनी इज्जत समझा। आज मेरी बिरादरी है ये मद्रासी सुब्रमण्यम, जो अपनी बेटी को खोकर भी मेरा भाई बना हुआ। आज मेरी बिरादरी सारा हिंदुस्तान। भाइयों, अब हम यहाँ एक मिनट भी नहीं ठहर सकते। चलो 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 भाइयों। लाला जी डब्बा दिन दे जाओ। हम भी देखेंगे अब तुम्हारी बेटी का ब्याह कैसे होता है। मेरी बेटी का ब्याह अभी होगा, यही होगा, इसी बेटी पर होगा। बेटा अशोक, आज मेरी आंखों से जिहालत की पट्टी उतर गई। मुझे प्रायश्चित करने का मौका दो। आओ इस बेटी पर बैठ जाओ। मैं इन व्यापारियों के लिए नाहक अपनी बेटी की खुशी बर्बाद कर रहा था। आओ बेटा आओ। सुब्रमण्यम, yes. तुम मेरे भाई हो। मिकी मेरी नहीं, तुम्हारी बेटी है। कन्यादान तुम करो। चलो आओ बेटा। दौलत राम जी, आपके ख्यालों में ये तब्दीली देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूँ इस खुशी को दोबारा बनाने के लिए मेरी भांजी और आपके लड़के की शादी इसी शुभ घड़ी में हो जाए तो अच्छा है। साधु राम जी, बेशतर इसके कि मेरे मुंह से कोई नाजायज बात निकले, आप यहाँ से चले जाइए। बरादरी में तो क्या, अब मैं किसी भी पंजाबी के साथ रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता। दौलत राम जी, ये आप नहीं बोल रहे, मेरा घी बोल रहा है। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यही कि आपकी आंखों से एक पट्टी उतरी है, दूसरी चढ़ गई है। पहले आप पंजाबियों के सिवा सब प्रांत के लोगों को बुरा समझते थे, और आज एक पंजाबी की वजह से सब पंजाबियों को बुरा समझने लगे। साधु राम जी, मेरी जगह आप होते तो क्या करते? मेरी बात छोड़िए दौलत राम जी, आपने जिंदगी में सिर्फ लेवल ही देखे हैं, इंसानियत को नहीं परखा। प्रांत का लेवल लगा देने से कोई अच्छा बुरा नहीं होता। इंसान अच्छा बुरा होता है अपने सलूक से, अपने कर्मों से। यह देखिए, एक दिन आपने इस लड़की को इसलिए ठुकरा दिया था कि इस पे मद्रासी लेबल लगा हुआ था, और आज आप उसी लड़की को सिर्फ इसलिए ठुकरा रहे हैं कि इस पे पंजाबी लेबल लगा है। साधु राम जी। हाँ सुब्रमण्य, यही है तुम्हारी बेटी जानकी। जानकी, जानकी, पिताजी, जानकी, अपने बूढ़े पिता को इतनी बड़ी सजा दी बेटी तूने। पिताजी, अच्छा किया तूने, जो कुछ किया अच्छा किया। साहेबान, प्लीज लिसन, जानकी बिटिया की जान बचाने का सेहरा हमारे साधु राम जी के सर है। भाई गौ, शुभ घड़ी बीती जा रही है, बिटिया का कन्यादान कीजिए ना। आइए मिस्टर आनंद कुमारा स्वामी, बैठो बैठो मुन्ना। सुब्रमण्यम जी, कन्या को बिठाइए ना, प्लीज मेक हेस्ट। बड़ी खुशी की बात है। आओ बेटा, बैठो बैठो। मुबारक मुबारक। अच्छा तो पंडित जी स्टार्ट प्लीज। मेरा कहने का मतलब यह है कि डबल दक्षिणा। टू मैरिजेस एट ए टाइम, एक वक्त में दो शादियां। हरे ओम, जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पास, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पास, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है।